वेदांत की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। तो सिद्धांत की चर्चा हो गई है और हम थोड़ा लीला का श्रवण करेंगे। लीला मतलब कौन सी लीला? चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला। बहुत सुंदर लीला है चैतन्य महाप्रभु की। तो उस जन्म की लीला का श्रवण हम लोग करेंगे। श्रवण करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत समझने के लिए तीन ग्रंथ हैं। एक है चैतन्य चरितामृत जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो कि तीन खंड में, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, और अलग अलग पार्ट, एक पार्ट टू करके नौ पुस्तक बनती हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में। ऐसी ऐसी नौ पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु का जीवनी और महिमा समझ में आएगा। ये चैतन्य चरितामृत है। दूसरा ग्रंथ होता है चैतन्य भागवत। ये चैतन्य भागवत है जिसको वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है और ये भी तीन खंड में है, आदि, मध्य और अंत। इसको पढ़ेंगे तो लीला समझ में आएगी। और एक ग्रंथ है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो तीनों लोगों ने चैतन्य महाप्रभु लीला को प्रकाश डाला है। किसी में किसी ने बाल लीला के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने चैतन्य महाप्रभु की यात्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और किसी ने चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं पे, सब लीला वही है लेकिन किसी किसी ने अलग लीला पे ज़्यादा ज़्यादा प्रकाश डाला है। तो तीनों को आप पढ़ेंगे, तीनों में एक अलग अलग आपको रसा स्वादन की अनुभूति होगी, नित्य नवीनता की अनुभूति होगी। तो ये तीन ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। पहले सर्दी खांसी होता था, क्या हुआ? नॉर्मल बुखार, सर्दी खांसी है। अभी सर्दी खांसी सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्या हुआ? सर्दी खांसी हुआ, कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल बुखार है। अभी सर्दी खांसी मतलब सबसे डेंजर स्थिति है, दूर रहो उनसे। थोड़ा सा गला फंसता है तो कोरोना दिमाग में घुसता है, कोरोना तो नहीं हो रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं? सच में कोरोना घूम रहा है दिमाग में, सुबह से गला थोड़ा खराश आ रहा है। लेकिन ये नॉर्मल है हमारा, ये डरने की जरूरत नहीं है। आप डरना, हमारे नॉर्मल है सालों साल से, ये कम से कम नहीं तो मैं पहली कथा करने गया था जौनपुर में वृंदावन से, और पता नहीं उसी समय मेरा गला खराब हुआ पहली कथा से ही। तो गर्म पानी पी पी कर मैंने कथा पूरा दिया, 7 दिन का सिर्फ गर्म पानी भी कथा हुआ। तो वो जो परंपरा चली हमारी, तो परंपरा बंद नहीं हुई अभी तक। तो गला रहना खराब होता है। मैं बता रहा था तीन, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। तो हम चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से अति संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला का श्रवण करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला प्रारंभ करने से पहले अति संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को सूत्र रूप में कहते हैं, सारी लीलाओं को सूत्र रूप में बांध देते हैं। तो थोड़ा उसका भी स्वादन कर लेते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कर रहे हैं? प्रथमे त सूत्र रूपे करिए गणन, पाछे ताहा विस्तारी करी विवरण। तो भी कुछ लोग नए हैं, तुमको बता देना चाहूंगा कि जो हमारी गीता और भागवत है श्लोक में है, संस्कृत के श्लोक हैं, लेकिन ये जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल लिखे गए, बंगाली में लिखे गए। इसको प्यार बोलते हैं कि आचार्य सब बंगाल उड़ीसा के हैं, तो ये बंगाली में लिखा गया है। तो इसको श्लोक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यार, इसको प्यार बोलते हैं। प्रथमे त सूत्र रूपे करिए गणन, पाछे ताहा विस्तारे करिब विवरण। तो सर्वप्रथम मैं चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को सूत्र रूप में व्याख्या करूंगा, इसके बाद एक एक लीलाओं का विस्तार करूंगा। पहले सूत्र रूप में बता देता हूं। श्री कृष्ण चैतन्य नव द्वीपे अवतरी, आट चल्लीस वसर प्रकट विहरी। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतार लेते हैं और 8 40, 40 मतलब 40 और 8 मतलब 8, 40 और 8 48, 8 40 वसर प्रकट विहरी, 48 साल तक प्रकट होकर इस संसार में लीला करते हैं, नवद्वीप में प्रकट होते हैं।
और 48 साल तक प्रकट लीला करते हैं, इसके बाद आप प्रकट हो जाते हैं। जन्म कर्म चमे तिब्यम एवं यो वेति ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, जो इस जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है उसको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भगवान भी आते हैं, भगवान भी जाते हैं, लेकिन भगवान का आना और जाना हमारे और आपकी तरह नहीं होता। हम आए, कुछ दिन रहे और मर गए। तो संसार में जो प्राय नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भगवान विश्वास नहीं करते हैं, जो भगवान को एक सामान्य पुरुष मानते हैं, वो लोग का यही कहना है अरे हाँ कृष्ण भगवान थोड़ी एक महान व्यक्ति है, महान जैसे महान मान साधु पुरुष होते हैं, महान मान की लीला कर देते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक महान व्यक्ति है, कुछ महान अद्भुत कार्य किया उन्होंने, उनका भी हमारी तरह जन्म लिए, हमारी तरह लीला की और इसके बाद फिर वो भी मर के चले गए, वो भी मर गए। कभी कभी यूट्यूब पे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे लिखते हैं कृष्ण भगवान कब मरे, उस पर भी शोध करते हैं लोग कब मरे, क्योंकि उनको समझ में आता है कि चैतन्य जैसे भगवान हम मरते हैं जीते हैं, ऐसे भगवान भी मरते हैं और जीते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, वो जीते हैं और मरते हैं ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, सूर्य उदित हुआ प्रकट हुआ और शाम होते होते अस्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कहेंगे सूर्य आज प्रकट हुआ जन्म लिया और शाम होते होते 6 बजे मर गया, 6 बजे जन्म लिया और 6 बजे मर गया, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं, प्रकट हुआ और अप्रकट हो गया, उदित हुआ और अस्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर लिख रहे हैं 48 वसर प्रकट अभी, जो शास्त्र के शब्द होते हैं उस शब्दों में सारी सिद्धांत छुपे रहते हैं। क्या लिख रहे हैं, प्रकट बिहारी प्रकट रूप से विहार करते हैं, लीला करते हैं, इसके बाद क्या होंगे फिर अप्रकट हो जाएंगे। 48 साल बाद भगवान अप्रकट हो गए, ऐसा नहीं कि मर गए, अप्रकट हो गए अर्थात और कहीं लीला चलेगी भगवान की। अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान की अनेक अनेक लीलाएं चलती रहती हैं, और आज भी कहीं जन्माष्टमी मनाया जा रहा होगा किसी ब्रह्मांड में, कहीं भगवान की लीला चल रही होगी, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो भगवान इधर से अस्त होते हैं, दूसरी जगह उदित होते हैं, उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान की दिव्य लीला को समझना चाहिए। सर भगवान के जन्म और कर्म बड़े गुह्य होते हैं, उनको अपनी बौद्धिक तर्किक बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 1400 जन्मे प्रमाण 1400 होइला अंतर्धान। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 1407 ईस्वी में प्रकट हुए और 1455 ईस्वी में 1846 ईस्वी संवत है, 1407 संवत और 1455 संवत, 1407 संवत में प्रकट हुए और 1455 संवत में अप्रकट हुए, मीन्स 1486 ईस्वी में प्रकट हुए और 1554 ईस्वी में अप्रकट हुए, जो आजकल की भाषा में हम बोलते हैं 1486 में चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए और 48 और लीला करने के बाद 1534 ईस्वी में इस धराधाम से प्रकट हो गए। 26 वसर प्रभु कैला गृहवास निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। तो 24 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन में रहे और इसके बाद निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास, गृह आश्रम में रहते हुए भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप का प्रचार किए, प्रचार की बड़ी योजना बनाए जिसमें उनका स्कूल चलता था, महाविद्यालय चलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, महामंत्र की व्याख्या करते थे क्योंकि उस समय तक जब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले नवद्वीप की स्थिति बड़ी खराब थी, प्राय लोग देवी चंडी काली के उपासक थे, कर्मकांडी थे, भोग विलास में लोग लिप्त थे, नियम कानून का वैदिक शास्त्रों का पालन करते थे लेकिन अपने स्वार्थ परक अपनी निधि के उद्देश्य से, लोगों के अंदर भगवान नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। यदा कदा कहीं कहीं भगवान के नाम का उच्चारण सुनाई देता था, वो भी कब, जब लोग नहाते थे, नहाते समय परंपरा है, अभी भी भारत में परंपरा है कि नहाते समय लोग कृष्ण गोविंद माधव मुरारी के भगवान का नाम लेते हैं,
मैं गुरु महाराज का कथा सुन रहा था, उसमें से महाराज जी बोल रहे थे कि वास्तव में ये हम नहाने से नहीं शुद्ध होते हैं, हम नहाने से तो हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन अंतःकरण पवित्र होता है भगवान का नाम लेने से, और निरंतर नाम लेते रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि नहाते समय भी भगवान का लोग नाम लेते रहते हैं। महाराज जी इस रूप में व्याख्या कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर जो लिख रहे चैतन्य भागवत में कि भूल चूक से लोग कभी कभी नहाते समय भगवान का नाम लेते थे। नहाते समय क्यों नाम लेते, लेकिन क्यों नाम लेते थे, क्योंकि सब कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इनके अलग अलग अपने खुद के विचार थे भगवान के नाम के ऊपर। क्या विचार थे कि भगवान का नाम है, और ये भगवान का नाम ऐसे ही कहीं नहीं ले लेना चाहिए, भगवान का नाम लेते समय शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और शुद्ध और पवित्र समय कब है, जब हम नहाते हैं, सिर्फ नहाते समय ही भगवान का नाम लेना, और बाकी समय भगवान का नाम लेना नहीं है, क्योंकि अपवित्र अवस्था में अशुद्ध अवस्था में कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये उनके विचारधाराएं होती थी, अपने अपने मन गढ़ंत विचारधाराएं थी। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कर्मकांड के मानने वाले होते हैं, या स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं, वो बड़ा कुछ ऐसा ऐसा नियम कानून दिखाएंगे पूजा पाठ में, योग में, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति जो भगवान को पोषण करने वाला जो तत्व होता है, उसमें कोई उनका विचारधारा नहीं होता। जैसे एक बार हम लोग अपना यात्रा नासिक लेके गए थे, नासिक हम गए थे, और नासिक में जहाँ पर सीता माता का हरण हुआ था, तो वहाँ पर नदी जैसा स्थान है, पुल है, क्या बोलते हैं, गोदावरी है, उस स्थान क्या बोलते हैं जहाँ पर, पंचवटी। तो पंचवटी में हम सभी लोग घूम रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, वही पूजा पाठ कराने वाला ऐसा, तो वो लगा व्यंग मारने, मुझे ही व्यंग मारा था उसने, क्योंकि लोग हैं सभी कोई थोड़ा कटाक्ष करने वाले भी हैं, ये देखो पंडित आ गया, पंडित, हाँ पंडित आ गया, श्रद्धा क्या क्या सीता माता को समझेगा, चप्पल पहन के घूम रहा है। ओके, एक तरह से धाम से सही बोल, धाम है, हमको नंगे पैर चलना चाहिए, टहलना चाहिए, लेकिन अभी इस मई जून के महीने में जाके चल कहाँ चल पाएंगे आप, कहाँ घूम पाएंगे पत्थर पे चट्टान पे। तो उसका विचारधारा एक तरीके से ठीक लग रहा है, तो मैं सुना, सुन के फिर आप लोग नहीं सुने होंगे, मैं सुन के आगे बढ़ा, क्योंकि हमको ही बोल रहा था, तो अपना इंसल्ट क्यों करा हूँ मैं, तो मैं आगे निकल गया। तो घूम के आ रहा था, मैं सोचा कि सही बोल रहा है, धाम है, पवित्र स्थान है, नंगे पैर घूमना चाहिए। हम वृंदावन भी जाते तो नंगे पैर घूमते हैं, मायापुर भी घूमते हैं, लेकिन अभी परिक्रमा करना होगा तो नंगे पैर थोड़ी कर पाएंगे, हमको चप्पल तो पहनना पड़ेगा ना। तो मूल भाव है कि हमको वृंदावन का परिक्रमा करना है, उससे हमारे भक्ति का वर्धन होगा, उससे हमारे भक्ति का पोषण होगा, चप्पल पहना है कि नहीं पहना ये बात नहीं है। और जब लौट के आ रहा था, घूम टहर के आ रहा था, तो वही पंडित जी ने व्यंग मारा था, तो अपना मैं देखा तो बीड़ी सिगरेट अपना बीड़ी जला कर पी रहे थे बैठ कर, तो मैं समझ गया ठीक है, अच्छा है, कितने पानी वाला पंडित जी है, समझ गए। तो कहने का आशा है कि कुछ लोग ऐसी मानते हैं ऐसे ही, लेकिन उनका जो भगवान की भक्ति के प्रति वर्धन करने वाला चीज़ है, उनका कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं रहता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अनेक उपवास, बृहस्पतिवार को व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, हाँ, लेकिन एकादशी पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसे अलग 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 कोटि के अलग अलग नवद्वीप में विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, लेकिन प्रायः सभी स्मार्ट थे, नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं था, कोई नाम नहीं जप करता था, बल्कि नाम जप करते थे, श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन होता था, बंद करके, दरवाजा बंद करके लोग कीर्तन करते थे, तो लोग बाहर से व्यंग मारते थे रात को, क्योंकि कीर्तन लाव नहीं था। अभी भी देखा जाता, जब भगवान का नाम कीर्तन करने सड़क पर निकलते हैं, हम लोग जुहू बीच में कीर्तन करने जाते थे, तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन लोग भी बैठते हैं, तो सीनियर सिटीजन ने लिखित एप्लीकेशन दिया था कि ये आप कीर्तन बंद करवाइए, पुलिस में एप्लीकेशन दिया था, कीर्तन बंद करवाइए, क्योंकि इससे हम लोगों को डिस्टर्ब होता है। सीनियर सिटीजन लोगों ने जुहू के सीनियर सिटीजन ने कंप्लेन दिया था, जो जुहू बेच में चेयर लगा के बैठते हैं, और चेयर लगा बैठ के डिस्टर्ब उनको हरिनाम से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हाँ, और बैठ के लोग क्या करेंगे, वही प्रचलन करेंगे, सांसारिक वार्ता कथा करेंगे। ऐसे नास्तिक बृहस्पति की विचारधारा के जिनको भगवान के नाम से भी एलर्जी होता है, घंटों बात करेंगे, 365 दिनों बात कर रहे हैं, हम लोग एक दिन हरिनाम करने के लिए जाते हैं, वो भी मैक्सिमम 5 मिनट उनके सामने से गुजर जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट भी उनको बर्दाश्त आराम भगवान का नाम नहीं है। तो ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं। तो नहीं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन ये पूरा भरा पड़ा था नवद्वीप उस समय। तो उस समय जब भक्त लोग शिवराज ठाकुर के घर के अंदर बैठ के कीर्तन करते थे रात को,
तो ये सब बोलते थे ब्राह्मण लोग तथाकथित वेदांती जो ब्राह्मण थे कि देखो देखो ये हरिनाम कीर्तन नहीं कर रहे हैं सब, हाँ ये सब तो ढोंगी ढोंगी है, ये भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, सब दिखावा करते हैं। तो अभी खाने वाने को लोग पास है नहीं क्योंकि देवी कृपा नहीं है, चंडी खुश नहीं है, ये सब अपराध करते हैं, भगवान का नाम जोर जोर से लेते हैं, भगवान का नाम सुनाने के लिए है क्या, हाँ क्या भगवान बहरे हैं उनको जोर जोर से बोलेंगे तभी सुनेंगे, हाँ ये सब दिखाते हैं। और इससे चंडी देवी जो हमारी हैं ये सब अप्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं क्योंकि वेदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और इसलिए ये लोग रात को चिल्ला रहे हैं क्योंकि ठंडी लग रही है और खाने को मिला नहीं है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही इसलिए लोग ऐसा जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग प्रजल्प भक्तों के लिए बोला करते थे, भक्त लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते दरवाजे बंद करके। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस धराधाम पर, तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान के भक्ति के भगवान के नाम का कीर्तन का प्रसार चालू कर दिए थे। यही पर कृष्णदास कर गोस्वामी यहाँ पर यही बात लिख रहे हैं कि निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन अभिलास, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी 24 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे और भगवान के नाम का प्रचार करते रहे अलग अलग तरीके से। 26 अवसर से करिया संन्यास आर 26 अवसर कैल नीलांचले वास, 24 वर्ष के बाद उन्होंने संन्यास लिया और उसमें वे जगन्नाथपुरी में निवास किए। 48 वर्ष तक रहे, 24 वर्ष गृहस्थ में, 24 वर्ष संन्यास आश्रम में। तार मध्य 6 अवसर गमन आगमन कभू दक्षिण कभू गौण कभू वृंदावन, और इस 24 वर्ष में संन्यास लेने के बाद 6 वर्षों तक लगातार वे भारत का भ्रमण करते रहे। संन्यास लेने के बाद प्रचार किए, साउथ इंडिया गए, अलग अलग एरिया में जाकर भगवान के नाम का प्रचार किए, क्योंकि उसमें पूरा भारतवर्ष प्रचंड मायावाद से प्रभावित हो चुका था, शंकराचार्य का पूरा गढ़ बन चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य और बौद्ध के मत से पूरा भारतवर्ष प्रभावित हो गया था, वैष्णविज्म भगवान विष्णु की भक्ति प्रायः शून्य हो चुकी थी, चैतन्य महाप्रभु ने भारत वर्ष में परिभ्रमण करके वहां पर भक्ति का विस्तार किए, प्रचार किए भ्रमण करके, कभी दक्षिण में कभी बंगाल में तो कभी वृंदावन में भ्रमण किए। 18 अवस्तर रहिला नीलांचले कृष्ण प्रेम नानामृते भाषा ल सकले, तो 24 वर्ष में 6 वर्ष भ्रमण किए, बचा कितना 18 वर्ष निरंतर जगन्नाथपुरी में निवास किए और कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, भक्तों को उपदेश दिए। वहां से उन्होंने मिशन बनाया, प्रचार करने का मिशन बनाया और लोगों को कृष्ण भक्ति से पूरित कर अलग अलग एरिया में प्रचार करने के लिए भेजा। ग्राह्यस्थे प्रभुर लीला आदि लीला ख्यान मध्य अंत लीला शेष लीलार्दुई नाम, तो चैतन्य महाप्रभु की जो गृहस्थी तक की लीला है, गृहस्थ जीवन तक की जो लीला है, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णित है। इसके बाद मध्य लीला और अंत लीला जो है ये गृहस्थ आश्रम के बाद अर्थात प्रचार कार्य और खुद चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का आस्वादन करते हुए किस प्रकार हरिनाम वितरण कर रहे हैं, इन सब लीलाओं की चर्चा मध्य लीला और अंत लीला में है। ओके। उनके आदि लीला में बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारि भेद अतएव आदि खंडे लीला चारि भेद, प्रश्न क्लियर होते जा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जो आदि लीला है, आदि लीला में गृहस्थ आश्रम तक की चर्चा की गई है, उसमें भी 4 भाग किए गए हैं, बाल्य पौगंड कैशोर और यौवन, अर्थात बाल्यकाल लीला 5 वर्ष के अंदर का जो जीवन है, और बाल्यकाल 5 से लेकर 15 तक का जो जीवन है, 5 से लेकर 11 तक का जो जीवन है वो पौगंड अवस्था, 11 से लेकर 15 तक का जो कैशोर और 15 के बाद का जो जीवन है यौवन जवानी, तो इन 4 विभागों में बांटकर लीला को उन्होंने प्रकाशित किया है। अतएव आदि खंडे लीला चारी भेद, तो लीला खंड लीला लीला भेद से 4 खंड आदि लीला में भी है, 4 भाग में डिवाइड है, बाल लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला और
यौवन लीला। अब प्रारंभ कर रहे हैं बाल लीला का प्रसंग। सर्व सद्गुणा पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम, सभी शुभ गुणों से संपन्न, क्या ये जो फाल्गुन महीना है, ताम बंदे, मैं उस फाल्गुन मास की वंदना करता हूं जो सभी गुणों से संपन्न है, शुभ लक्षणों से युक्त है और जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और अवतरित होके कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं, तो ऐसे फाल्गुन पूर्णिमा को मैं वंदना करता हूँ, ऐसे फाल्गुन पूर्णिमा को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिख रहे हैं। दो तीन सुंदर श्लोकों में इस फाल्गुन पूर्णिमा की वंदना कर रहे हैं कौन, अभी वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर क्या लिख रहे हैं अब वो पढ़ते हैं। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्म आदि तिथि करे आराधना। आज की जो तिथि है, आज का जो दिन है, जिस दिन पे हम लोग आज उपस्थित हैं इस तलासरी धाम में, बॉम्बे छोड़कर यहाँ पर आए हैं उत्सव मनाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला मनाने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए, और उत्साहित भी हैं। सुबह से हम लोग उत्साहित हैं, मंगला आरती उठे हैं, कीर्तन किए, कर सेवा किए और इसके बाद कथा श्रवण कर रहे हैं। सुबह कथा हुई, शाम को फिर अभिषेक है, प्रसाद है, पूरा दिन उत्सव में लगा हुआ है। देखा जाए तो जब से आए तब से उत्सव का माहौल बना हुआ है, एक आनंद की अनुभूति हो रही। हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? जब मैंने इसे पूछा, एक भक्त जो अभी जोर थोड़ा बोला तो उनका नींद हटा, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे नहीं हो रही है क्या, मुझे समझा नहीं हो रही है, लेकिन वो नींद से जग रहे हैं, उनको भी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आनंद की अनुभूति हो रही है हम लोगों की। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, आज का जो शुभ दिन है, इस शुभ दिन का आनंद की अनुभूति चैतन्य रे जन्मात्रा फाल्गुन पूर्णिमा ब्रह्मा आदि ए तिथिर करे आराधना। ब्रह्मा आदि देवता, जितने देवता लोग हैं ना, वो भी इस तिथि की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य जन्म यात्रा, क्योंकि आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसलिए ये फाल्गुन पूर्णिमा विशेष हो गई है। और ऐसे भी जब चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान के आविर्भाव का समय होता है, तो जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे परिस्थितियां देश सब अपने आप पे एक पूर्ण राशि का संयोग बन जाता है हर तरफ। ऐसे भी ये जो फाल्गुन है, ये अपने आप पे कितना बड़ा उत्सव का माहौल होता है। अब ये न कहना प्रकारेण हम बध गए हैं और बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं है और थोड़ा परिवेश भी धीरे धीरे बदल रहा है, नहीं, ये होली का फेस्टिवल कम से कम 15-20 दिन पहले चालू हो जाता है गांव में। और कितना उत्सव रहता है, वृंदावन महीना भर पहले से चालू हो जाता है, तो अपने आप में कितना उत्सव का समय है। सबसे बड़ा फेस्टिवल देखा जाए तो होली का है, बहुत पहले से इसका प्लानिंग चालू हो जाता है, योजना चालू हो जाता है, लोग कलर फेंकते हैं और अपने आप में कितना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो जब भगवान आने वाले होते हैं तो एकदम जो परिवेश है, परिवेश भी अपने आप में पूर्णतया शुद्ध चिन्मय और आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा फूल निकलते हैं, मालूम है आपको, और कलर कलर के फूल निकलते हैं। जितने भी वृक्ष होते हैं सब वृक्षों पे नए नए पत्ते उग के आ जाते हैं, सब जगह हरा भरा रह जाएगा। ये ऐसा मौसम है, अभी तो प्रकृति के साथ हम इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है, नहीं तो ये ऐसा समय है जिसमें ज़्यादा ठंडी होती है, न गर्मी होती है, न बारिश होती है, एकदम उपयुक्त मौसम है, बहुत सुंदर मौसम है। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी यही अवतीर्ण हैलेन द्विज मणि।
तो जिस तिथि में द्विजमणि गौर सुंदर अवतीर्ण हुए वह तिथि परम पवित्र एवं भक्ति स्वरूपिणी है। परम पवित्र भक्ति स्वरूपिणी है क्योंकि भक्ति को देने वाली ये तिथि है, भक्ति को देने वाली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा में प्रकट होते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथा भजाम में हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको स्वीकार, उनको प्रदान कर देता हूँ, लेकिन अपना भक्ति भगवान प्रदान नहीं करते हैं। ये विशेष स्थिति इसलिए है क्योंकि भगवान इस कलयुग में विशेष रूप से स्थिति प्रकट होते हैं, क्या प्रदान करने के लिए, अपनी विशेष भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति प्रकट करने के लिए भगवान इस स्थिति में प्रकट होते हैं। इसलिए ये आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी, क्योंकि विशेष स्थिति है जिस पे भगवान प्रकट हुए हैं सबसे अमूल्य संपत्ति प्रदान करने के लिए हम लोगों को। एतेके दुई तिथि करिले सेवान कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधान। अच्छा, दो चीज कह रहे हैं कि दो ही तिथि महत्वपूर्ण होती है, एक तिथि जिसमें भगवान पैदा होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, और एक तिथि जिसमें भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म होता है। आज चार लोग जन्म लेते हैं, दो ही तिथि है आनंद मनाने योग्य। हम लोग जो मनाते हैं तिथि अपना पूर्ण अपना तिथि होता भी है, चलेगा वो भी है, अपना जो जन्म तिथि हम मनाते हैं, जो बर्थडे के रूप में आज के समाज में प्रचलित हो रहा है, ठीक है, प्रचार के लिए एक तरीके से ठीक है, लेकिन हमारा और आपका जन्म तिथि मनाने योग्य नहीं है। हमारा और आपका जन्म तिथि मनाने का जो विचारधारा है उस पर बहुत व्यंग करते हैं हमारे गुरु महाराज कि कैसा हम लोग का जन्म तिथि मनाना है। तो बोल रहे हैं महाराज, जैसे कोई व्यक्ति है और वो जेल में बंद है, जेल में बंद है और वो कैदी है, ये संसारिक जेल के समान है, इसकी जो मालकिन है, जो दुर्ग की संचालिका है, वह है दुर्गा देवी, जो इस सारे जीवों को बांध कर इस जेल के अंदर रखी है। दुर्ग, दुर्गा जी मतलब दुर्ग सबसे आया है, दुर्ग मतलब किला, जिस किला को डाक कर पार करना बहुत मुश्किल होता है, माया दुरत्यया, जिसके अंदर सारे जीव को मोहित करके रखी है दुर्गा जी सामने वाले, जगह ही जगाइए, जगह मेरी कथा सुनिए, जगाइए। तो सारे जीवों को इस संसार में बांध के रखती है दुर्गा जी, और बहुत दुर्जय है जो किले होते हैं जेल के, उसको कोई डाक के पार नहीं कर सकता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े अपराधियों को कैदी करके रखा जाता है, इतना आसान नहीं उसको कोई जेल को पार करके चला जाए। तो क्या बता रहा था, गुरु महाराज अपना जो जन्म उत्सव मनाते उसके विषय महाराज कटाक्ष कर रहे थे, तो मतलब कहाँ से प्रसंग आया। हाँ, तो उसमें हम लोगों को बांध के रखा जाता है, जहाँ जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, अधिभौतिक क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश है, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट हैं, इस कष्ट के बीच में हम जीवों को रखा जा रहा है। जेल में लोगों को कष्ट मिलता है, हमको कष्ट मिलता है, उसका नाम जेल है, इस जेल का नाम है दुखालय मशाश्वतम, भगवान द्वारा दिया गया नाम है, जहाँ पर कष्ट मिलता है, जहाँ पर दुख मिलता है हम लोगों को। तो महाराज कहते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई जेल में बंद है और जेल में बंद हुए और अन्य दो चार कैदियों को बुलाए, आ जाइए, दो चार कैदी और इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर फिर केक भी आ जाए और कुछ प्रसाद और भोजन जो भी है वहाँ पर आ जाए और फिर वहाँ पर मनाया जाए, खुशहाली मनाया जाए, किसी से खुशहाली, वो मित्रों आओ खुशहाली मनाओ, किसी खुशहाली मना रहे दोस्त, अरे आज के दिन में इस जेल में बंद हुआ था, आज के दिन इस जेल में मैं आया था, इस बात की खुशी, यही खुशी मनाते हैं ना कि आज के दिन हम इस जेल में आए थे, आज के दिन हम इस जेल में प्रकट हुए थे, आज के दिन हम इस जेल में बंद हुए थे। तो बंद होने की खुशी है वास्तव में, और एक तरीके से अज्ञान है, वास्तव में हमारा कल्चर तो है नहीं, हमारा कल्चर है ही नहीं वैलेंटाइन डे, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी डे,
हमारा कल्चर नहीं है, हम लोगों के एनिवर्सरी मनाते हैं, मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कल्चर में है नहीं। हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री जब दाम्पत्य जीवन बनते थे तो सात जीवन तक साथ निभाए थे ऐसा वादा करते थे लोग, और उस आशा से लोग जीवन बनते थे। ये वलन, ये सब जो प्रचलन है ये पाश्चात्य देशों के लिए है जिनके लिए शादी विवाह पारिवारिक जीवन पत्नी बाल बच्चे, क्योंकि उनका परिवार है ही नहीं, हाँ कल इनके साथ परसों उनके साथ, हाँ। और यही पाशा संस्कृति धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रही है, एक 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 रूप में आ रही है, अलग अलग भयानक भयानक रूप है इसके। अभी रिलेशनशिप उसमें आया, हाँ शादी नहीं कर सकता, रिलेशनशिप में रह लो, आपका जमे शादी करो, नहीं जमे तो हरे कृष्ण, राइट। यही है रिलेशनशिप ना, यही करते हैं ना, लीव एंड रिलेशनशिप जो भी बोल लो, हमको उतना नजर नहीं जानते हैं, आप लोग जानते होंगे सुनते होंगे, मुझे जाने जरूरत नहीं, मैं सुनता हूँ थोड़ा समझ लेता हूँ कि प्रचार के लिए काम आता है कभी कभी, फिर कितना भयानक संसार वो भी समझ में आता है, बच के रहना है, बहुत भयानक संसार है। तो हमारा कल्चर नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा जन्म कर्म दिव्य नहीं है। भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का जन्म कर्म दिव्य होता है, उसको सुनेंगे तो हम दिव्य बन जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, हम पवित्र होकर उसी शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेंगे जहां जाकर मुझे आना नहीं पड़ेगा। तो हम कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारा और आपका जन्म कर्म दिव्य नहीं, संसार मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, कोरोना वायरस में भाग रहे इधर से उधर, हमारे आपके जीवन में सिर्फ दुखी दुख है, त्राप है, हम लोग कष्ट में है यहाँ पर। तो ये ठीक है, हम लोगों को हर चीज करना चाहिए समाज के साथ में जो हमको प्रचार के लिए सहायता करे, तो ठीक है, प्रचलन चल रहा है, उसको कैसे हम कृष्ण के सेंटर में लेकर आएंगे, क्योंकि एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रचलन चल रहा है। आज पूरी दुनिया पाश्चात्य का अनुकरण कर रही है, हम बचा नहीं सकते हैं, अभी उसी में हमको भक्ति का प्रचार करने का अवसर देखना चाहिए, कैसे बड्डे में प्रचार डाल सकते हैं, कैसे हम नर्सरी प्रचार डाल सकते हैं, भाई करना है करो, भक्तों को बुलाओ, हरिनाम होगा, कथा होगा, कीर्तन होगा, हाँ ए न के न प्रकार भगवान का नाम मुख से निकलित होगा, भगवान का कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा और उस जीव का उद्धार होगा। हम लोगों को प्रचार का अवसर देखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह से समय भाग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारा चीज नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति हमारी भारतीय परंपरा में कोई ऐसा फेस्टिवल कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो भगवान से अलग है। अब देखिए हमारे जितने फेस्टिवल है, हमारे दीपावली है, दशमी है, दशहरा है, होली है, जितने भी आप उत्सव देखेंगे वो सब भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान सेंटर में है। और जितने भी नए नए डे निकल रहे हैं ये सब हमारी और आपकी नित्य के लिए है, और जितने भी उत्सव थे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए थे। आजकल जो नए नए उत्सव निकल रहे हैं, हाँ गुलाब का फूल देने का, हाँ और अपना भाव व्यक्त करने का, हमारा जो परंपरा है हम गुलाब का फूल हो कोई भी रोज हो राजबिहारी जी के लिए, सुंदर फूल देखते हैं तो भाव क्या आता है, भगवान के लिए, भगवान के लिए। तो ये भाव हमको डेवलप करना चाहिए। तो एकते हाँ तो एते के ए दुई तिथि करिले सेवन कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। एते के दुई तिथि, दुई तिथि महत्वपूर्ण है, कौन सा तिथि, एक भगवान का जन्म और दूसरा भगवान के भक्तों का जन्म, यही दो तिथि महत्वपूर्ण है। एकेते ए दुई तिथि करिले सेवन, इसी में सेवा करना चाहिए, इसी में प्रेम दिखाना चाहिए, इसी में पैसा खर्चा करना चाहिए। ये बर्थडे पार्टी मना रहा है, वो मना रहा है, उसमें अलग अलग कितना कितना लोग कर रहे हैं, बोलते हैं ये सब बंधन के कारण, ये सब पूरा अज्ञान है, ये सब जीव को बंधन का कारण है संसार में, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। उत्सव मनाना है ना, फेस्टिवल मनाना है ना, आनंद लेना है ना, ये तिथि मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, रामनवमी मनाओ, गौर पूर्णिमा मनाओ, प्रभात जी का अपरेंस दिस अपरेंस मनाओ, हमारे कितने आचार्य उसमें फास्टिंग करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये सब उत्सव हम लोगों को मनाना चाहिए। ये जो उत्सव हम तथाकथित दिखावा कर रहे हैं, पाश्चात्य का नकल कर रहे हैं, ये सब हमको नरक में लेके जाने वाले हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है। सामने वाले का हेल्प करिए, सहायता करिए, आपको कृपा मिलेगी, आपको कृपा मिलेगी ना, आपकी वजह सुनेंगे ना, तो थोड़ा फल आपको भी जाएगा, इसलिए बगल वाले को जगाएंगे। यदि आपके बगल में कोई सो रहा है उसको आप जगाते हैं, उसको कृष्ण भक्ति में सहायता कर, तो उसका 20% आपको मिलता है, ये फल है, तो कथा सुनने के लिए जगा रहे हैं ना उनको। ईश्वरेर जन्म तिथि ये न पवित्र वैष्णवेर से मत तिथिर चरित्र।
तो जिस प्रकार ईश्वर की जन्मतिथि पवित्र होती है, उसी प्रकार उनके भक्तों की भी जन्मतिथि पवित्र होती है। कृष्ण भक्ति हय खंड अविद्या बंधन, इस स्थिति को मनाने से कृष्ण भक्ति में हमारी जो श्रद्धा होती है दृढ़ होती है, और खंडे अविद्या बंधन, और हमारा अविद्या खत्म होता है। अविद्या, जिस अविद्या कारण जीव संसार में बंधा हुआ है, जिस अज्ञान कारण इस संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम देहात बुद्धि में आसक्त हो गए। पहला ज्ञान कि हम अपने आप को देह मान के बैठे हैं लेकिन हम आत्मा। दूसरा ज्ञान, हम अपने आप को भोक्ता मान के बैठे हैं लेकिन गीता में कहते हैं भगवान भोक्तारम् यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी यज्ञों का, तपस्याओं का, सभी कर्मों का परम भोक्ता मैं हूँ। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, मुझे करते हुए करो, क्योंकि मैं भोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ। लेकिन यहाँ प्रवृत्ति है कि मैं अपने आप को मालिक मान के बैठा हूँ, मैं भोक्ता बन के बैठा हूँ। हम भोक्ता हैं लेकिन स्वतंत्र भोक्ता नहीं, आश्रित भोक्ता है। हम स्वतंत्र भोक्ता मान लेते हैं, स्वतंत्र कर्ता मान लेते हैं, हम कर्ता नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, हम भोक्ता है लेकिन आश्रित भोक्ता है। किसके? स्वतंत्र के आश्रित भोक्ता। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसे किसी के पास एक BMW कार है, कोई मालिक है, और उसके अंदर जो ड्राइवर है ना, सेवक, सर्वेंट, तो जिस आनंद की अनुभूति एक मालिक उस BMW कार में बैठ के ले रहा है, उसके फैसिलिटी का, उसका आनंद उस ड्राइवर को भी मिल रहा है। एक हमारा कोई बोलरो चला जिसमें कर रकुर कितना आवाज आ रहा है 10 साल की गाड़ी हो गई, और एक कोई न्यू ब्रांड BMW कार चला है, वो चलाने वाले को अनुभूति होगा, वो हाथ में लगाएगा ड्राइवर तो क्या चला रहा हूँ ऐसा लगेगा, क्योंकि एकदम हायर रस है उसके अंदर ना, जो महंगी गाड़ी चलाते हैं, तो उसको भी वही आनंद मिल रहा है जो मालिक को आनंद मिलता है, उसको पूरा फैसिलिटी उसके अंदर है। लेकिन उसका जो आनंद है, उसका आनंद मालिक के आश्रित आनंद है, मालिक की सेवा करते हुए उसको आनंद लेना है। अब कभी वो सोचे कि ठीक है बॉस तो अभी कंपनी के अंदर बैठे हैं, थोड़ा मैं अपनी बीवी बच्चों को घुमा के ले आके आ जाता हूँ, देखो कितनी महंगी कार है, कितनी सुंदर कार है। तो जिस दिन वो मालिक से स्वतंत्र हट के अपनी पत्नी बच्चों को घुमा कर आनंद लेने का प्रयास करेगा, वही दिन उसके लिए बंधन कारण, क्योंकि मालिक जो ही पता चलेगा कि इस गाड़ी पर पीछे के सीट पर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बैठा के घुमाया नंबर एक नौकर होके, तो फिर उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सिंपल सर्वप्रभुपाद जी ने समझाया है कि यही हमारा और भगवान के साथ संबंध है। हमको हर चीज़ आना, हमको खाना है, पीना है, नाचना है, गाना, हम क्या नहीं कर रहे हैं? खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, नाच रहे हैं, हम नाच भी रहे हैं, संसार वाले भी नाच रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, संसार वाले भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, संसार वाले भी पहन रहे हैं, हम भी पहन रहे हैं, संसार वाले भी एसी में रहते हैं, हम भी एसी में रह रहे हैं, राइट? हम लोग भी सब भोग कर रहे हैं, लेकिन किसके निमित्त? कृष्ण के निमित्त। सावधान रहना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग व्यंग करते हैं, साधु महात्मा होकर ये कैसे यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में रह रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं। तो आप लोग मालूम प्रभुपाद जी कथा ना, प्रभुपाद जी से किसी ने, पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप एक साधु होकर, साधु महात्मा, महात्मा तो महात्मा गांधी जो कि झोपड़ी में रहते थे, चलते थे, और आप साधु होकर इतनी महंगी महंगी कार से चलते हैं, ये भी आप ही प्रभुपाद जी को पत्रकार प्रश्न पूछता है। प्रभुपाद जी तो पहले बहुत डांटते हैं कि आपके आदर्श होंगे महात्मा गांधी, महात्मा। प्रभुपाद जी के तो महात्मा लिख के महात्मा नहीं बनता है, आपके आदर्श होंगे महात्मा गांधी, हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण परम पिता हम उनके बेटे हैं, हमारे पिता बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, कितने बड़े आप उसका अंदाजा करें। बड़ा बाप का बेटा तो, बड़े बाप का जो लड़का होगा वो कैसा होगा? तो होगा ना बड़ा, क्योंकि हम नालायक बेटे हैं, लायक बेटे हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसको समझाते हैं दो चीज़, तो देश काल परिस्थिति अनुसार आंसर दिया जाता है, कैसा परिवेश में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक जगह प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए कोई चोर है और चोरी करके मारुति वैन से भाग रहा है सामान लेके, यदि उस चोर को पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ेंगे? पैदल दौड़ के पकड़ सकते हैं? दौड़ के आप मारुति वैन का पीछा कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। यदि उसको पकड़ना है तो उससे हाई स्पीड गाड़ी आपको पकड़नी पड़ेगी, उसको पकड़ने के लिए जो उस गाड़ी से तेज चले स्पीड में, तब जाकर उसको पकड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसी प्रकार पहले का जो जीवन था, लोग साधु संतों के पास जाते थे, लोग साधु संतों के पास जाते थे, एक एक राजा पूरा राज चलाते थे, पूरे देश का राज चलाते थे, लेकिन वो राजा भी स्वतंत्र नहीं होता, और राजा भी साधु के अधीन होता था। कोई भी नेता वो साधु से लेकर फिर वो आगे के लिए काम करता था। हर राजा के पास उसके गुरु होते थे, अशोक
चक्रवर्ती अशोक सम्राट साधु थे, कौन? चाणक्य पंडित, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त के लिए था, नहीं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए थे। उसी प्रकार हर राजा के अधीन में कुछ साधु संत होते थे। आप वीडियो भी देखेंगे तो बड़े बड़े दशरथ महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, लेकिन उनके राजदरबार कुल गुरु होते थे, वो लोग आते थे और कोई भी विशद परिस्थिति आती थी तो उन लोगों से निर्णय लिया जाता था। तो प्रायः हर चीज साधु संतों के पास जाकर लोग समाधान करते थे, वो परंपरा खत्म हो गई। अज्ञान आ गया धीरे, लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अहम पूर्णम, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, इनके आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, अहम करता अहम भोगी, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, दूसरे को एक देने की जरूरत नहीं है। ये सब अलग अलग आसुरी प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर आ गई और ये परंपराएं सारी खत्म हो गई। तो आज लोग साधु के पास नहीं जाते, भी साधु को लोगों के पास आना पड़ता है। और जो हम साधु हैं, जिस परंपरा में रह के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज है, उसके पहले बाबा जी याचक वृत्ति होता था, लोग भीख मांगते थे, भजन करते थे और जो आता था उनको बता देते थे, प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी। ये जो प्रचार का उत्साह था, प्रचार का जो उपाय था, प्रचार की जो योजना थी, ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बनाया और उन्होंने सारा कुछ चालू किया एकदम आधुनिक से आधुनिक तकनीकी विद्या। तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब चीज तुम यूज करो, सब चीज यूज करो, उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, युक्त वैराग्य। और कटाक्ष किया प्रभुपाद जी ने, भक्ति ठाकुर महाराज ने ऐसे सन्यासियों के ऊपर। हाँ, बोलते बहुत सारे सन्यासी साधु होते हैं, हैं, आप जाके देखिए, बड़े बड़े नागा साधु मिलेंगे आपको कुंभ में, अभी जाइए हरिद्वार। इतने विरक्त हैं, इतने विरक्त हैं, उनके सिर में कपड़ा भी नहीं होता है, भस्म लगा के रहते हैं, राख लगा के रहते हैं, घर नहीं है, नदी किनारे रहते हैं, लेकिन जीवन क्या है, सिर्फ गाजा पीते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, अनेक अनेक अशुभ वासनाएं उनके हृदय के अंदर है। हाँ, इतने गंदे गंदे काम करते हैं वो लोग, तो वो विरक्ति से कुछ काम नहीं होने वाला है। वैरक्ति है, वैराग्य दिखाओ, लेकिन युक्त वैराग्य दिखाओ, फिर भक्ति महाराज के जो कुछ है सब कुछ यूज करो, लेकिन किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। और भक्ति से ठाकुर महाराज पर योजना बनी, उसके बाद प्रभुपाद जी ने और ऐड किया और हर आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करना चालू किया। उद्देश्य प्रभुपाद जी ने यही बताया कि आज यदि हम किसी के पास गरीब बन के जाएँ, फटाव कपड़ा पहन के जाएँ, बाहर के साधु तरह बन के जाएं, लोग कमंडलू और फटा पुराना सा कपड़ा पहन के जाएं, तो लोग 10 रुपया देकर हमको भगा देंगे, कोई वैल्यू नहीं देने वाला है, कोई कीमत नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन आज जब उनके स्तर के हम जाते हैं, एम टेक, बी टेक, इसकी डिग्री लेकर जाते हैं, बड़े बड़े, इसका मन पूरा भरा हुआ है, आप लोगों को मालूम नहीं, मालूम ही है कि कितने बड़े बड़े लोग इसके अंदर हैं। तो जब ऐसे कैटेगरी के लोग और अच्छे वेल ट्रेंड प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साधु के लिए सबसे पहला चीज़ उसका कपड़ा, उसके कपड़े से पता चल जाता है उसे मेंटालिटी क्या है। भले कपड़ा पुराना हो, लेकिन साफ और सुथरा कपड़ा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, क्योंकि जो सफाई है वो हमको भगवान के नज़दीक लेके जाती, भगवान परम सुंदर हैं। हाँ, तो उनके पास जाने के लिए, भगवान के लिए हमको सुंदर परिवेश बनाना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए, हर चीज़ भगवान के लिए होना चाहिए। इस प्रकार युक्त वैराग्य है जिसमें हम सारी चीज़ों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम वो करेंगे नहीं तो हम प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, पहले के साधु जाते थे हिमालय पर तपस्या करने के लिए, हिमालय में जाके भजन करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने मंदिर कहाँ बनाया? एकदम सिटी के हृदय के अंदर, एकदम केंद्र में, जहाँ पर भीड़ है, भाड़ है और पूरा तामसिक वातावरण है। बॉम्बे में क्या है, यदि राजबिहारी जी नहीं है तो क्या जीवन है, बताइए। चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए, एकदम आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे सेंटर प्रभुपाद जी ने मंदिर अपने लाए, हांगकांग, सिडनी, लंदन, हाँ, एकदम हर्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बद्ध जीवात्म भगवान को प्रचार करना है, यहाँ पर हमको प्रचार करना, तो प्रचार के लिए ये सब चीज़ें यूज की गई। तो हमको प्रचार करने के लिए यूज करना चाहिए आसक्ति भाव से नहीं, हर चीज़ का, ये मोबाइल, हर चीज़ आज की टेक्नोलॉजी में बहुत खतरनाक चीज़ है, हर चीज़ बहुत खतरनाक है, एकदम माया हमारे साथ में चल रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए जो भक्ति है, भक्ति करना मतलब ब्लेड की धार पे चलने के समान है। आप ब्लेड से दाढ़ी बना रहे हैं और थोड़ा सा सावधानी हुआ तो वही ब्लेड आपका चेहरा भी बिगाड़ सकता है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक चाकू
एक चाकू लोगों का जीवन बचा सकता है यदि डॉक्टर के हाथ में चला जाए, वही चाकू यदि एक बदमाश के हाथ में चला जाए लोगों का मर्डर भी कर सकता है। तो हमको डाकू बनना है कि हमको साधु बनना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कैसी हम संगति ले रहे हैं, कि जैसी संगति लेंगे ऐसे धीरे हमारे अंदर विचारधाराएं आ जाएंगी। तो ये चीज़ हम लोग को बड़ा समर्पित प्रयोग करना चाहिए, हर चीज़ का प्रयोग करना है, लेकिन कृष्ण के निमित्त, यदि कृष्ण के निमित्त नहीं हुआ तो हर एक चीज़ आपके लिए बड़ी बाधा बन जाएगी। फिर एसी रूम हो, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, यदि हमारी आसक्ति उसमें आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो आसक्ति कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा का प्रयोग होनी चाहिए, तो हम बच जाएंगे। ये एक सिद्धांत है। तो ये हमारे आचार्यों ने चालू किया, कृपा जी ने चालू किया, हर चीज़ का प्रयोग करो लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग करो। क्योंकि यदि हम इतने आगे नहीं आएंगे, इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो प्रचार के लिए हर चीज़ का प्रयोग संभव है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ईश्वरेर जन्मतिथि ये हम गौर चंद्र आविर्भाव सुने ए जने कभु दुख नहीं तर जन्मे वा मरणे। तो जो लोग भी गौर चंद्र के चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन सुनेंगे, कभु दुख नहीं तार व जन्मे वा मरणे, उन लोगों को जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा, न जीते जी न मरने के बाद भी। क्यों? क्योंकि भगवान कथा सुनेंगे, और जहां भी भगवान कथा होती है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहां पर दुख नहीं होता है। और ये कथा सुनने से, सुनते रहने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, उस प्रेम कारण हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, और भगवान के धाम में चले जाएंगे, यदि संसार में आएंगे ही नहीं, तो फिर हमारा दुख का झंझट खत्म हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए। गौर चंद्र आविर्भाव सुने ए जने कभु दुख नाही तार जन्मे वा मरणे, न जीवित न मरने के बाद उनके जीवन में दुख नहीं है। क्योंकि यदि वो भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उनका जो अविद्या का बंधन है, जो हृदय का कलमश है, वो भी दूर हो जाएगा, और वो जब तक रहेंगे संसार में तब तक शुद्ध और निर्मल आनंद प्राप्त करेंगे, और उसके बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। श्री चैतन्य देव की कथा श्रवण करने से भक्ति फल प्राप्त होता है, एवं पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ जन्म ग्रहण कर सकता है। यदि हम चैतन्य महापुरुष कथाओं का श्रवण करेंगे, श्री जन्म लीला सुनेंगे, तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट जब हमारा जन्म हो तो हम चैतन्य महापुरुष कथा सुनेंगे नहीं, चैतन्य महापुरुष लीला में भाग भी ले सकते हैं। ये भी सौभाग्य हमारे जीवन में आ सकता है। सुनने की जरूरत नहीं है, चैतन्य महापुरुष के साथ हम लीला में उनके भाग ले सकते हैं। ये इस लीला का सुनने का फल है, क्योंकि लीला सुनेंगे तभी तो हम आकर्षित होंगे लीलाओं के प्रति ना। और भगवान के आने का प्रयोजन तो यही है, भगवान के आने का। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जब मैं अनर्पित चरिम चिरात श्लोक की व्याख्या कर रहा था 4-5 दिन पहले, जब हमारा प्रसंग चल रहा था, तो उसमें यही बोल रहे हैं ना कि ये जो दुष्टों का संहार है, धर्म की स्थापना है, और पृथ्वी का भार हरण करना है, ये सब काम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार लेते हैं, विष्णु अवतार लेकर जो संसार का मेंटेन करते हैं अलग अलग, उस विष्णु अवतार के द्वारा संसार का भार भगवान हरण कर सकते हैं। उसके लिए एते चांस कलाम पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब भगवान के अवतार की कथा सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं, 23 अवतार कथा सुना दिए, 24वां अवतार की कथा शुरू करने से पहले बता रहे हैं कि अभी तक जो हमने अवतार के विषय में बताया, ये या तो भगवान श्री कृष्ण के अंश थे या कला थे। अंश कला क्या होते हैं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वहां बता चुका था। तो अभी तक जितने अवतार की हमने बात बताई, या तो अंश थे या तो कला थे, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण जो भी अवतार लेने वाले हैं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान कभी आते नहीं अवतार के रूप में, बहुत लंबे समय बाद आते हैं, और उनका आने का प्रयोजन पृथ्वी का भार उतारना नहीं होता है, संसार का कष्ट हरना नहीं होता है। वो आते हैं सिर्फ अपनी माधुरमयी लीला करने के लिए। इसलिए अनेक अनेक अवतार होते हैं, एक दो काम करके चले। भगवान नरसिंह आए, प्रकट हुए, 5 मिनट में काम खत्म। वराह रूप में आए भगवान, 10 मिनट के अंदर आए और काम सब निपटा के अपना
खत्म कर दिए थे। अन्य अन्य जितने भी अवतार हो रहे हैं सब प्रयोजन से आ रहे हैं, काम खत्म करके चले जा रहे हैं। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान राम प्रकट हुए लेकिन मर्यादित रहे, क्योंकि यदि उनकी लीला से भगवत्ता का बोध हो जाता तो रावण मरता नहीं। इसलिए भगवान हो करके भी पूर्ण भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखाए, हर जगह मर्यादित है। चाहते तो कहीं कहीं भाव में भगवान के अंदर भी आवेश आ गया, जब समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में एक सामान्य व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, भाई रास्ता दे दो ना, ऐसे भगवान प्रार्थना कर रास्ता दे दो ना, जाने दो ना। भगवान राम खूब प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नहीं सुना समुद्र देवता ने, तब गुस्सा आए कि भी देखो बहुत परीक्षा ले लिया, अब क्या लगता है मैं सामान्य मनुष्य हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बाढ़ में पूरे समुद्र को सुखा सकता हूँ। और भगवान निकाले, जब जो ही बाढ़ निकाले तब समुद्र देवता प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान हर जगह मर्यादित रहे, कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, क्योंकि मर्यादा में मर्यादा से ऊपर जाके भगवान का ऐश्वर्य दिखा देते तो रावण मरता नहीं। इसलिए भगवान राम के आगे जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उनकी भी लीलाएं बहुत माधुर्यमयी हैं, लेकिन उनसे भी अति माधुर्यमयी जो लीलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की है। और भगवान श्री कृष्ण के आने का प्रयोजन ही यही होता है, ये लीला देना। और भगवान कहते हैं जब मैं आता हूं तो सारे सहचरों को अपने पार्षदों को लेकर आता हूं, पूरा जो गोलोक वृंदावन है उस गोलोक वृंदावन को तो यहां पर प्रकट करता हूं और लीला करके लोगों को दिखाता हूं, ताकि लोगों का चित्त लोगों का मन हमारी तरफ आकर्षित हो। तो भगवान जो आते हैं सिर्फ हम जीवों की चेतना को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए ये सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। यहीं पर क्योंकि जो कृष्ण है वही गौर है, वही चैतन्य महाप्रभु है, इसी बात का यहाँ पर अनुमोदन कर रहे हैं कि जो लोग सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। तो जो लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कथा भक्ति का श्रवण कर रहे हैं, इसका फल यही है कि आगे आने वाला जो जन्म होगा वो चैतन्य महाप्रभु के संगों के रूप में, उनके पार्षदों के रूप में यहाँ पर अवतरित हो सकते हैं। आदि खंड कथा बड़ा सुनिते सुंदर, यही अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वर। ये आदि खंड का जो लीला है ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसी लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं, तो इसका वर्णन बहुत ही सुंदर है। ये सब लीला कछु कभु नहीं परिच्छेद, आविर्भाव तिरो भाव मात्र कहे भेद। तो इन सब लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई आदि अंत और मध्य नहीं है। केवल जो वैदिक शास्त्र हैं वो प्रकट और अप्रकट कह के इसको अति या अंत कर देते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा भगवान की लीलाएं इतनी अनंत हैं कि उसको शेष कोई नहीं कर सकता है। इसलिए 48 इयर्स में ही भगवान की लीलाओं को जन्म से लेकर लास्ट तक में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वास्तव में यह है कि उनका 48 ईयर और 50 ईयर भगवान श्री कृष्ण का 16 साल रहे, भगवान रामचंद्र जी 11,000 वर्ष रहे, हाँ, तो ये सब कोई शेष नहीं कर सकता है। अनंत अनंत भगवान की लीलाएँ हैं, ये सब बस शेष कर दिया जाता है आदि और अंत करके, प्रकट और अप्रकट करके, लेकिन कोई शेष नहीं कर सकता है। चैतन्य चैतन्य थोड़ा पढ़ते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय, से ही काले देव योगे चंद्र ग्रहण है। तो जिस फाल्गुन पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, उस दिन संयोग से चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। चंद्र ग्रहण क्यों लगा हुआ था? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूँ, आगे समय मिलेगा तो विस्तार में करूंगा, तो विस्तार में उन्होंने किया है, बहुत ज्यादा विस्तार से किया है, लेकिन विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो हम एकदम फंस जाएंगे। तो संक्षेप में थोड़ा कथा का रसास्वादन हमको करना है। तो जब विस्तार कर रहे हैं तो वहां पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अंतिम समय फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभु जन्मोदय, कि जिस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, उस दिन ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण लगा था। तो जब विस्तार करते तो वहां बताते चंद्र ग्रहण उसी दिन क्यों लगा था, उसी दिन चंद्र ग्रहण क्यों लगा।
बोले उसी दिन चंद्र ग्रहण इसलिए लगा क्योंकि चंद्रमा, क्योंकि गौर चंद्र, इनका नाम क्या है, गौर चंद्र, गौर चंद्र, और एकदम गौर चंद्र है, तप्त सोने की भांति इनका सुनहरा शरीर है, राधा रानी की कांति को अंगीकार करके आए हैं, उनकी सुंदरता को अंगीकार करके, उनके सौंदर्य को अंगीकार करके आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, यह है गौर सुंदर। तो ये जो काला कलूटा चंद्र है, हमारा जो चंद्रमा हमको दिखता है, ये काला कलूटा, काला कलूटा मतलब ये भी सफेद है, गौर है, लेकिन बीच में दागी है, दाग लगा उसे चेहरे के ऊपर, दाग है। तो इसने सोचा कि ऐसे तो गौर हूँ, लेकिन फिर मैं भी उसके ऊपर काला काला दाग लगा हुआ है, और ऊपर से कौन आ रहा है अभी, गौर चंद्र आ रहे हैं, अभी इनके आगे हमारी सुंदरता कौन, हमको चंद्रमा की तुलना भी सुंदरता में की जाती है, मुखारविंद का सुंदरता चंद्रमा से किया जाता है, कितने सुंदर है चांद, चांद है, चांद से भी सुंदरता की व्याख्या की जाती है ना। तब ये चंद्रमा सोच रहा है कि अभी आया गाना मेरे कान में आया एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गया था गाना, लेकिन बोलूंगा नहीं मैं। तो लोगों को, लोग सुंदरता की तुलना चांद से करते हैं, तो ये सोच रहा है कि मैं सुंदर हूं लेकिन मेरे ऊपर धाग है, और अभी तो गौर चंद्र आ रहे हैं, तो उस गौर चंद्र के आगे वो लज्जित हो गया, शर्मा गया कि हमारी सुंदरता कौन देखेगा, हमारी सुंदरता तुलना कौन करेगा, लोग भ्रम में है कि हमारी सुंदरता तुलना करते हैं, इनको देखने के बाद हमको कोई पूछने वाला नहीं, तो बेचारा अपना मुंह ढक लिया, अपने से ग्रहण लगा लिया उसी दिन कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अभी इस गौर चंद्र के आगे। ये आगे के श्लोकों में जो विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कह रहे हैं इसलिए ये ग्रहण लग गया, उसको ग्रहण लग गया, वो हट गया, अपने से छिप गया कि गौर चंद्र के आगे मेरी सुंदरता क्या है, कौन देखेगा। उसी समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। हरि हरि बले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। तो जब ग्रहण लगता है तो लोग प्राय गंगा उंगा स्नान करने जाते हैं, दान पुण्य देते हैं, और लोग भगवान का नाम जप करते हैं, शुभ काम करते हैं। तो उस शुभ काम में चैतन्य महाप्रभु अपने आने से पहले जो अपने आने का प्रयोजन था, आने का प्रयोजन क्या था, भगवान के नाम का वितरण करना। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया, जो देना चाहते थे वो अपने आने से पहले विदित करना शुरू कर दिए। उस समय प्रत्येक दिशा में लोग कृष्ण गोविंद माधव मुरारी नाम का कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, दान दे रहे थे, और शुभ काम करने में लगे हुए थे। उसी शुभ घड़ी के अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। जन्म बाल्य पौगंड किशोर युवा काले, हरि नाम लायो आइया प्रभु नाना छले। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म के समय बाल्य पौगंड कैशोर था, युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से, भिन्न भिन्न उपाय से लोगों की मति को भगवान श्री कृष्ण के अंदर नियोजित कर रहे हैं। आने से पहले ऐसा और आने के बाद भी अलग अलग उपाय करके हरिनाम का वितरण कर रहे हैं लोगों के बीच में, अलग अलग उपाय करके। प्रभुपाद जी भी एक जगह एक लेक्चर में कहते हैं कि मैं इस्कॉन के माध्यम से ऐसा योजना बना रहा हूँ, ऐसा योजना बना रहा हूँ कि ये हरे कृष्णा बोले बिना कोई रहा नहीं जाएगा पूरी दुनिया में। मैं भी ऐसी विस्तारित योजना बना रहा हूं और उसका फल हम देख सकते हैं, सारी दुनिया में लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यही कर रहे हैं, चरणों कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, प्रकट होने से पहले हरिनाम मित्र चालू कर दिए, और बाल पौगंड युवा और कैशोरावस्था में भी अलग अलग लीला करके हरि नाम लयो आइया प्रभु नाना छले, अलग अलग छल करके चैतन्य महाप्रभु लोगों से हरिनाम लिवा रहे हैं। जब दम मारो दम हुई बनी, कौन सा हीरो था वो, देवानंद, और उस समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे, और प्रभुपाद जी को भक्त लोग संदेश भेजते हैं कि भारत में इस्कॉन के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हम भक्तों को बदनाम करने के लिए ये एक मूवी निकली है जिसमें गाना है दम मारो दम, जिसमें कि भक्तों को बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है समाज के आगे, ये लोग हरे कृष्णा हरे राम गाते हैं और नशेड़ी हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, और ये बहुत गलत लोग हैं, तो ऐसा करके प्रचार किया जा रहा है, और खूब मूवी ये प्रचलित तो हो रही है भारतवर्ष में। तो प्रभुपाद जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है,
ये भगवान की बहुत बड़ी योजना है, घबराने की जरूरत नहीं, भगवान की बहुत बड़ी योजना है। ये जो दम मारो दम है, ये भौतिक शब्द है, सांसारिक शब्द है, और ये हरे कृष्णा हरे राम ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, दिव्य शब्द है। कुछ समय बाद ये भौतिक शब्द खत्म हो जाएगा और हरे कृष्ण हरे राम लोग गाना चालू कर देंगे। ये भगवान की योजना है प्रचार कराने की, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ भगवान इस रूप में करा रहे हैं, ये भगवान की योजना है। लोग भगवान का नाम लेंगे, ये न के न प्रकार है न, भगवान का नाम लेंगे और शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, उनकी मति शुद्ध होगी। और आज कौन दम मारो दम नाम लेता है? कोई नहीं। आज कौन लोग बोलते हैं? ये हरे कृष्णा वाले हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि हरि, राधे राधे, सब बच्चे ही बोल रहे हैं, सब बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वही बोल रहे हैं। हाँ, हमारे भक्तों के जो बच्चे हैं, जो भक्ति के संप्रदाय में आ गए, भक्तों के संपर्क में आ गए हैं, और संसार में जो बच्चे रहते हैं, संसार में बोलते हैं बेटा हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलवाते हैं, हमारे भक्त क्या बोलवाते हैं? हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा तो बोलता है, हरे कृष्णा सीखना है, शुरू सीख लेता है, राइट। ये देखो संस्कार है, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद, जय जगन्नाथ, हमारे बच्चे ये सीखते हैं। अब बाहर वही हेलो क्या क्या सीखते रहते हैं लोग, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे, लोग इसी को समझ रहे हैं। भगवान चाहेंगे हमको कभी कोई कष्ट मिले, कभी हो नहीं सकता। भगवान चाहे कि मैं अज्ञान में हो जाऊं थोड़ा, कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही है सच्चिदानंदमय स्वरूप है। भगवान चाहेंगे मैं गरीब हो जाऊं, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती, उनकी दासी है, भगवान सब चाह के भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं बाल्य भाव छले प्रभु, छल से भगवान रोते थे। योजना क्या थी? शांत नहीं होऊंगा। कब तक शांत नहीं होऊंगा? जब तक हरी हरी नहीं बोलेंगे, हरी 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 हरी, जब तक हरी हरी नहीं बोलेंगे मैं शांत नहीं रहूंगा। आते वह हरी हरी भले नारी गौड़, देखी थे ऐसे सेवा सर्व बंधु जान। तो इस प्रकार सबके, जितनी भी स्त्रियां आती थी, सबके दिमाग में हो गया था कि जब भी ये रोएगा तो क्या बोलना है, इसको कुछ देना नहीं खाने पीने के लिए, इसको और कुछ बात नहीं करना है, क्या करना है? हरी 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 करना है। वो स्त्रियां उच्चारण करती थी और वो शांत हो जाते थे। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी, अतएव हैल तार नाम गौर हरि। इनके अनेक अनेक नाम है। अभी गौर हरि नाम क्यों पड़ा? गौर हरि नाम क्यों पड़ा? देखने में गोरे थे, देखने में गोरे थे, और चुप कैसे होते थे? बच्चे रोते तो कैसे लगते हैं? हालांकि बच्चे रोते भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब किलकारी मार के हंसते हैं तो और अच्छे लगते हैं। रोते कभी कभी बोरिंग होता है, हाँ अच्छा नहीं लगता है जब चिल्लाते हैं तो, लेकिन बच्चे हंसते हैं खेलते हैं तो और अच्छा लगता है। तो स्त्रियां प्राय देख रही हैं कि ये हरी हरी बोलता है, हरी हरी बोलते हैं, तो इसका रोना ही बंद नहीं होता है, एक अलग के दिव्य आनंद की अनुभूति इसके चेहरे पर होती है, खिलखिला के हंसता है। तो उस हंसी को देख कर गौर हरी भले तारे हासे सर्व नारी, अतएव हैल तार नाम गौर हरी। एक तो गोरा शरीर और ऊपर से हरी हरी बोलने पर हंसता है, इसलिए उन स्त्रियों ने उसका नाम रख दिया गौर हरी। गौर हरी चैतन्य महाप्रभु की जय। ओके, तभी यहां पर ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में कह रहे हैं, थोड़ा इन लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो क्या विस्तार करें, थोड़ा उसका सुन लेते हैं, इनके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका विस्तार बहुत लंबा है, आगे विस्तार करें कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा अति संक्षेप में विस्तार कर रहे हैं। तो कथा में चलने दे रहा हूं, भले आप लोग का सुनने का इच्छा हो या न हो, लेकिन दवा कभी कड़वा लगती है तो मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए। ऐसे फास्टिंग है क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से छोड़ूंगा तो आप एक ही काम करने वाले हैं दूसरा काम नहीं होगा आप लोगों से। मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बैठने कंडीशन देख के मुझे पता चल रहा है कितना एक्सरसाइज करना पड़ा बैठने में, तो देख के अनुभूति हो रही है कि ये दिल मांगे मोर, लेकिन वो मिलेगा नहीं सोने के लिए, सोने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं भी जाऊंगा तो शायद मैं भी वही हो जाऊंगा इसमें मुझे भी नहीं जाना है, बेटर है कि थोड़ा समय हमारे पास है तो उस समय का पूरा पूरा सदुपयोग किया जाए, भले ही मैं अच्छे ढंग से व्याख्या न कर पा रहा हूं और भले ही आप लोगों की इतनी इच्छा नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं बैठा हूं, जैसे मैं भी रसा साधन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं और लीला का रसा साधन कर रहा हूं, और आप लोग भी
उसको श्रवण करिए, क्योंकि भले ही मैं अच्छे से व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो लिखा गया बात है बड़ा सुंदर है, प्यार है, और मैं उसको पढ़ के थोड़ा अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसी के भाव को। तो ये चलेगा प्रश्न, और कब तक चलेगा? अनिश्चित समय तक। तैयार रहना पड़ेगा आप लोगों को, जिनका बहुत, जिनको बहुत परिश्रम लग रहा है कि अब नहीं हो सकता प्रभु जी तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, आप लोग जाकर आराम भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको लाभ लेना है, एक्चुअली लाभ लेना है, श्रवण उत्सव का लाभ लेना है, तो आप लोग बैठकर कथा श्रवण करिए, ज़्यादा नहीं, आधा 45 मिनट तक और मैं बोलूँगा। प्रसाद है, प्रसाद मिलेगा 7:30 बजे। हाँ, आपका एक बात कहेंगे अभी, विनोद ठाकुर बहुत अच्छा बात एक बताने वाले हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं उपवास तपस्या, इसका फल क्या है, इसका फल का भी बात बता रहे हैं, उसका फल सुनेंगे तो आपके साथ थोड़ा संतोष होगा। हाँ, ओके चलो, यहाँ पर जन्म करा दिया, अब जन्म से सीधे आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत से जन्म क्रीलन का नहीं कहेंगे। हे नमते प्रकाश हैल गौर चंद्र सचि गृह दीने दीने बाड़ाए आनंद। तो धीरे धीरे जब गौर चंद्र बड़े होने लगे, तो जब बड़े होने लगे तो उनके बड़े होने के साथ साथ सची माता के घर भी, घर में आनंद की भी बढ़ोतरी होने लगी, उनके घर में आनंद भी बढ़ने लगा। पुत्रे श्री मुख देखी ब्रह्मांडी ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागरे देहो भासे अनुक्षण। तो उस पुत्र का मुख देखकर, जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था, तो उसका मुख देखकर जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, जो कि चैतन्य महाप्रभु के माता और पिता हैं, उनके एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। भाई ने देखिया विश्व रूप भगवान हासिया करे न कोले आनंदे रधाम। और परम सौभाग्यशाली माता पिता हैं, कोई सामान्य माता पिता नहीं, कोई आनंद कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, आज उनके पुत्र बने हुए हैं। और ऐसे पुत्र को जब लेकर माता और पिता, जब पुत्र को गोद में लेकर उनके मुख को ऐसे भी निहारते हैं, तो कितना सुंदर और कितना वात्सल्य भाव मरता है माता और पिता के अंदर। और ये तो जो बालक बना है, कोई सामान्य बालक अभी नहीं बना है, जो जो पूरे संसार को अपने आनंद से अप्लावित कर देते हैं, पूरा संसार को वो बस में कर लेते हैं प्रेम देकर, आज वही आनंद देने वाले भगवान आज उनके गोद में बैठे हैं। तो हम समझ सकते हैं क्या कि उनके आनंद की कितनी अनुभूति रहेगी, जो पूरे जगत को आनंद देते हैं, और वही आनंद देने वाले भगवान आज सची माता और गौर सुंदर जगन्नाथ मिश्रा के गोद में बैठे हैं, तो उनके मुख को निहार कर उनके, उनको कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। यत आप्त वर्ग अच्छे सर्व परिकरे अहर्निश सभी थाके बालके आवरे। और इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्रा एक सम्मानित ब्राह्मण थे, तो उनके जितने भी और सगे संबंधी जन थे, वो लोग भी सदैव उस ब्राह्मण को घेर कर खड़े रहते थे। सची माता के पुत्र जो गौर सुंदर हैं, जो गौर चंद्र हैं, उनके मुख को निहारने के लिए, उनको खिलाने के लिए लोग खड़े रहते थे। सर्वलोके आवरिया थाके सर्व क्षण कौतुक करे रसिक देवगण कौन देव आलक्षिते गृहते संभाय छाया देखी सबे बोले एई चोर आय। ये लोग तो आनंद ले ही रहे थे, अभी जो पैदा हुए हैं, जो बालक रूप पैदा हुए हैं, अनंत मनोहर सुंदर मनोहर रूप है जिनका, उस रूप को निहारने के लिए सिर्फ सची माता और जगन्नाथ मिश्रा और उनके जो निज जन थे वही लोग नहीं, देवता लोग भी आसमान से नीचे आ गए उस सौंदर्य को निहारने के लिए।
जैसे कृष्ण लीला में हम सुनते हैं कि कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, उनके बाल्यकाल के माधुरी का रस स्वादन करने के लिए कौन आए थे? शिव जी आए थे, शंकर जी आए थे देखने के लिए। यहां पर सारे देवतागण आ गए गौर सुंदर को देखने के लिए, लेकिन वो आसमान में खड़े होकर देख रहे हैं। सर्वलोक आवरिया था के सर्वक्षण कौतुक करे रसिक देवगण। तो देवतागण वहां पर आ गए और कौतुक, कौतुक मतलब आनंद की वृद्धि करने के लिए। वो लोग भी कुछ अभी मजाक कर रहे हैं वहां पर, और क्या मजाक कर रहे हैं देवता लोग? कौन देव अलक्षिते गृहते संभाय छाया देखी सबे बोले ए चोर याय। तो जब कोई खड़ा होता है तो छाया बनता है, तो देवता लोग अपना इर्द गिर्द लोग खड़े हो गए और मजाक करने के लिए, हंसी करने के लिए अपना छाया छोड़ा, छाया मतलब छाया में खड़े हो गए। और छाया से ऊपर से छाया जाए, अभी आप लोग बैठे ऊपर से कोई बड़ा छाया होके गुजरे, दो चार ऐसे ऐसे गुजरे, तो क्या करेंगे? क्या होगा? अरे कहां से आ गया भूत प्रेत, कुछ तो आ गया। तो वो लोग ऐसे छाया के रूप में वहां से गुजरे। कौन देव अलक्षिते गृहते संभाय छाया देखी सबे बोले ए चोर आए। तो वो लोग बोले अरे कोई तो चोर आ गया, कोई तो असुर आ गया, कोई तो राक्षस आ गया, कोई तो भूत प्रेत आ गया, ऐसा करके लोग भयभीत हो गए। छाया देखी सबे बोले ए चोर आए। नरसिंह नरसिंह के करे ध्वनि अपराजितार स्त्रोत कारो मुखे हनी। तो लोग नरसिंह नरसिंह कह के लोग चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, इस बाल की रक्षा करो कुछ तो। क्योंकि इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र कई बालक मर चुके थे, कई बेटियां थी सब मर चुके थे। और चूंकि बंगाल, आज भी बंगाल में जादू टोना का प्रभाव है, आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, आज भी लोग काला जादू विश्वास करते हैं। तो जो वहाँ के नारीगढ़ थे, सामान्य सरल और गांव के शिक्षित नारियां थी, तो लोग यही सोचती थी कि ये कोई जादू टोना और इसकी वजह से सारे मर गए, और इस बालक के ऊपर भी कोई छाया, कोई प्रभाव, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। तो लोग नरसिंह भगवान का प्रार्थना करने लगी, और उसी समय अपराजितार स्त्रोत कारो मुखे सुनी। ऐसे तो उनका विश्वास नरसिंह देव पर था, क्योंकि विघ्नहर्ता नरसिंह देव भगवान है, लेकिन एक अपराजिता माता भी थी। बड़ी बड़ी माता है वहां पर, कहां पर? बंगाल में, जिसमें काली माता मुख्य रूप से हैं। लेकिन आप जाएंगे तो अलग अलग मूर्ति बनाकर वो लोग हर समय कोई ना कोई देवी काली का पूजा करते ही रहते हैं। उसी समय एक अपराजिता माता थी, जो कि अपराजिता, जिनको कोई जीत नहीं सकता था, वैसे एक माता जी थी, तो बड़ी शक्तिशाली थी। तो उनको भी लोग याद कर रही थी कि वो भी आकर इस बालक की रक्षा करे। नाना मंत्र के हाँ दस अधिक बंद करे उठिल परम कलवर सचि घरे। और इस प्रकार अलग अलग मंत्र पढ़ के, जैसे होता है ना, घर को बाधा जाता है, वो चावल से, छत से, या कुछ पतला धागा से बांध देंगे, जिसकी वजह से भूत प्रेत और अलग अलग कोई ये हो, इसका प्रभाव इस घर पे ना पड़े, बालक पे ना पड़े। तो अलग अलग मंत्र पढ़ के उस घर को बांध देते थे, कुछ बांधने से फिर उसका वजह से। कि आप महाभारत में श्रवण करते हैं, अर्जुन के समय जब एक ब्राह्मण का ये आया था, उसका बालक मर जा रहा है, कृष्ण भगवान सामने आया था, फिर अर्जुन गए थे और अर्जुन ने भी क्या किया था, बाण से पूरे घर को ढक दिया था, बांध दिया था, और लेकिन फिर भी वो बालक चला जाता है, लंबी कथा है वहां पर। तो इसी प्रकार मंत्र के प्रभाव से आकर उन लोग पूरे घर को बांध देते थे, नारियां बांध दी कि अब कोई जादू टोना या कोई भूत प्रेत का चक्कर न पड़े। प्रभु देखी गृह बाहिर देवा बयाए सबे बोले एही मंत्र आसे तो पलाए के है बोले धर धर एही चोर आए नृसिंह नृसिंह के है डाके सदाए। तो जब घर के अंदर लोग कर दिया, पहले तो घर के अंदर छाया दिखाई दिया, अब ये लोग घर को बांध दिए, तो देवता लोग सब मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी घर के बाहर और छाया दिखाना चालू की, बड़ा बड़ा और छाया प्रकट हो रहा है। तो अभी सब लोग वहां से, कुछ लोग भाग रहे हैं, क्या बोले घर घर ए चोर आए नृसिंह नृसिंह कहा डाके बुलाए। अरे नहीं नहीं, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बड़े बड़े कुछ चोर आ गए हैं, और ये चोर पीछे छुपे हुए हैं, उनका छाया मैंने देखा अभी भागते समय। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग व्याख्यान दे रहे हैं, कोई चोर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और उसी समय अरे यूपी वाले लोग हैं क्या? कुछ समय पहले यूपी में एक मुहनोचवा आया था, आया था, कितने लोगों ने सुना मुहनोचवा का नाम? मुहनोचवा, तो मुहनोचवा क्या करता था? बहुत भय हुआ था, एकदम बहुत बहुत भय हुआ था, लोग बाहर सोना छोड़ दिया था। क्या क्या चलता था? टॉर्च लेके, डंडा लेके, पुलिस का
अब पेट्रोलिंग कार चलता था, एकदम भय का वातावरण हो गया था, मुंह नोचवा आया था, और रात को अचानक आएगा, अचानक दिखेगा नहीं और आपका मुंह नोच के लेके चला जाएगा, आंखें करके लेके चला जाएगा, पूरा पूरा यूपी में भय हो गया। तो उस समय हम लोग भी गांव में थे, हमारे गांव में एक बार अटैक किया था, और हो ना हो मैंने भी आंखों से देखा था, मैं सही बता रहा हूँ, उस लाइट को प्रकाश को मैंने भी देखा था, एकदम प्रकाश से आएगा, वेग में आएगा, सही टच करेगा और जहां टच करेगा वहां से कुछ तो कुछ लेके चला जाएगा, आपका थोड़ा मोड़ा कुछ लेके जाएगा निकाल के। तो मुंह नोचवा था, लेकिन वो घाव तो दिखा नहीं, लेकिन लाइट को मैंने भी देखा था, अनुभूति मुझे हुई थी, या तो भ्रम में दिखा था या तो सत्य में दिखा था। और हमारे घर के बगल में थे, हमारे घर के सामने, तो प्राय कोई सोता नहीं था, गर्मी का दिन था, मई जून में आ चुका था, मई जून में आया था, घर में आप सो नहीं सकते हैं, लाइट फैन होता नहीं गांव में इतना ज्यादा, मजबूरन आपको घर के बाहर सोना पड़ता है, छत पे सोना पड़ता है, स्त्रियां छत के ऊपर सोती थी, पुरुष लोग अपना घर के बाहर खटिया और पलंग डाल के सोते थे। अभी इतना गर्मी, इतना मच्छर है, अंदर सो नहीं सकते थे, बाहर सो नहीं सकते थे कि बाहर सोएंगे तो मुझे मुंह नोचवा आएगा, ये एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो हम लोग अनुभूति किए। तो क्या करें, तो उसमें डंडा गोजी, और जिनको नींद नहीं आता रेडियो लगा कान में बैठे रहे गाना सुनते थे, मैं भी गजल सुनता था बैठ के कान लगा, क्या करें नींद नहीं आ रही है, अभी सब लोग कुछ ना सुनते रहते, जागना था रात भर, कोई सोए अचानक और मुंह नोचवा लेके चला जाएगा, इतना भय था। तो हम लोग ऐसे ही बाहर खटिया पर डाल के बैठे थे, और मैं, मेरे नाना जी थे, और हम लोग उसे जग रहे थे, और हमारे घर के सामने जो थे तो ये चलता था कि हम सोएंगे तो आप जगना, घर का हमारा घर का रोड है, देखा होगा आपने, गए थे हमारे नाना जी घर पे गए हैं ना, तो रोड पड़ता है एकदम घर के सामने ही, तो जो रोड के सामने थे वो उनसे हमारा समझाता हुआ कि जब हम लोग सोएंगे बाहर खटिया पर तो आप लोग जगना, और आप लोग सोएंगे तो हम लोग जगेंगे, इतना भय हो गया था। तो वो लोग सो रहे थे, हम लोग जगे थे, अचानक से मेरे घर में एक लड़का है मनोज, जिसका नाम, जिसका उम्र 20-22 साल रहा होगा, और अचानक से उठ के जम मारा, हम देख रहे हैं, और कहीं तो कहीं दूर दूर हल्ला हो, कहीं के दूर दूर हल्ला होता था, मुंह नोचवा आवाज आता था, जागते रहो, सावधान रहो, मुंह नोचवा, तो रात को किसी किसी एरिया से आवाज आता था। अचानक वो मनोज जो सोया था, लड़का था 20-22 वर्ष का लड़का था, 22 वर्ष का लड़का था, उठ गया बेड पर से, मुंह नोचवा आया, और इसके उठते जितने लोग सोए थे उनके घर के आजू बाजू सब लोग खटिया पैक करके सोए थे एक दूसरे के, उठे और सब लोग गुजरना रख के सोते थे, और उठ के एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, व्यास आसन बैठ के जिसको जिधर मिल रहा उधर ही गोजी से मार रहा है, खटिया पर, बेड पर, सड़क पर, कहाँ पीटा लोगों को पता नहीं चला, लोगों मुंह नोचवा आ गया है और उधर ही गिरा है, सब लोग खटिया पर पीट रहे हैं धार 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 धार, और हम लोग भी डर गए, कहीं से अच्छा मुंह नोचवा को मारा तो चारों गोजी रह रहा गिरा है, और इसके बाद दौड़ के गए सब लोग इकट्ठा, कम से एक मिनट के अंदर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कहाँ है मुंह नोचवा, कहाँ लगा, हम लोग को लगा कि मुंह नोचवा खटिया पे आया और लोग मार लिया, सावधानी से मार दिए, और देख रहे सिर्फ खटिया पड़ा है, कोई मुंह नोचवा है नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये जो मनोज था इतना भयभीत था, इतना भयभीत था, सांस पूरा फूल रहा था, अरे प्रभु जी, अरे गुरु जी, मैंने देखा एकदम हमारे चेहरे के पास आया था वो, मैंने देखा उसको, तो ऐसा चल रहा था। कुछ ऐसा ही प्रसंग यहाँ पर आया है, अंदर देवता लोग लीला करके चले गए, बाहर दिखा रहे हैं, अभी लोग बाहर दौड़ के गए, बाहर दौड़ के गए, नहीं कुछ तो है, तो क्या हुआ पता नहीं चला है, तो गांव को ओझा को बुलाया गया, जो ओझा झाड़ फूक वाले होते हैं उनको बुलाया गया, ओझा कौन, ओझा बोले आजी एड़ाईली भाल, ना जानी सर नृसिंहर प्रताप विशाल, ओझा जी आए, ओझा जी बोल रहे हैं, हाँ ओझा जी आए, और अपना आकर अपना आग बंद करके चावल लाओ या छत लाओ ये सब कर करके सब अपना मंत्र पढ़ के सब फेंक दिए, बोले हाँ आज बहुत बड़ा प्रकोप आने वाला था इस घर के ऊपर, लेकिन मंत्र सिद्धि के कारण मैंने सब बांध दिया, अभी कोई डरने होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रकोप आया था, एकदम पुराना जिन्न था ये एकदम पुराना जिन्न था, लेकिन ठीक है कोई डरने की बात नहीं, मैं उसका सब समाधान कर दिया हूं। सही खाने था कि देव हासे अलक्षिते परिपूर्ण हैला मासे का ए मते, और जब देवता लोग खड़ा होकर सब बात सुनते थे इन लोगों का, तो लोग खड़ा होकर हंसते थे और हंस के फिर वो लोग चले गए, और इस प्रकार एक महीना का समय बीत गया। बालक उत्थान पर्वे एता नारी गण सची संगे गंगा स्नाने करिला गमन, एक महीना बाद जब बालक उत्थान का समय आया, जैसे कि
अभी तो हम सब प्राचीन परंपराएं भूलते जा रहे हैं। पहले जब स्त्रियों को बालक पैदा होते थे तो कम से कम 4 महीने तक वो प्रसूति गृह में रहती थी। 4 महीने तक उनको कोई देख नहीं सकता था, उनसे कोई मिल नहीं सकता था, वो प्रसूति गृह में रहती थी। जिस घर में बच्चा पैदा होता था उसी घर में रहते थे वो लोग, और विशेष विशेष प्रयोजन में निकाला जाता था। धीरे धीरे वो समय खत्म हुआ और 1 महीने तक का प्रसूति गृह चलता है। अभी पता नहीं 21 दिन या कुछ दिन लोग बढ़ाते हैं कि वो स्त्री खाना नहीं बनाती है, कुछ नहीं करती है और उसी प्रसूति गृह में रहती है। तो वो सब संस्कार गांव में हम लोगों को अनुभूति हुई है, कैसे किस प्रकार घर में पर्दा टंगा रहता है और उस घर में कोई जा नहीं सकता है, सिर्फ स्त्रियां और कुछ विशिष्ट स्त्रियां उस घर में जाती हैं और अलग अलग चीज़ होता है। उसी प्रकार 1 महीने का समय बीत गया है और 1 महीने के बाद अभी सची माता को सभी स्त्रियाँ लेकर जा रही कहाँ पर, गंगा स्नान करने के लिए। अब वो घर से बाहर निकली, वही जो परंपरा निर्वाह करना होता है प्रसूति गृह से बाहर निकलने का, तो उनको बाहर निकाला गया और गंगा स्नान करने जा रही हैं। बाद गीता कोलाहल करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजित वे गेला षष्ठी स्नान, षष्ठी स्नान बोलते हैं वहां पर, वो स्नान करने के लिए गई। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण आयले न गृह परिपूर्ण नारीगढ़। वहां पर स्नान ध्यान करने के बाद षष्ठी स्थान पर पूजा करने के बाद सभी लोग देवताओं से प्रार्थना करती हैं और देवेर अनेक अनेक देवी देवता हैं जिनके चरणों में प्रार्थना करती हैं, क्योंकि उन लोगों को अनुभूति हो गया था कि इसके ऊपर भी संकट है और इसलिए संकट से बचने के लिए ये लोग प्रार्थना करती हैं। खई कला तैल सिंदूर गुया पान सवारे धीरेला आयरी करिया सम्मान। और जब स्नान करते आती हैं तो सची माता उस समय सभी स्त्रियों को खीर केला तेल सिंदूर सुपारी तथा पान देकर सभी का स्वागत करती हैं। अब एक परंपरा है निर्वाह कर रहे सची माता, जो वहाँ का लोकल परंपरा है, स्नान करने के बाद 1 महीना के जब शिशु हो गया उसके बाद का बात है। बालकेर आशीषिया सर्वनारीगढ़ चली लेना गृह बंदी आई रचरण। और उस प्रकार सभी नारियों ने बालों को आशीर्वाद दिया और सची माता के चरण वंदना करके अपने अपने घर को चली गई। हे नमते वैसे प्रभु आपन लीलाए केताने तारीते पार यदि ना जाना। इस प्रकार भगवान अनंत अनंत प्रकार की लीला कर रहे हैं और ऐसे भगवान लीला को कौन समझ सकता है यदि भगवान खुद नहीं जनाना चाहे, खुद भगवान रसा स्वादन नहीं कराना चाहे, खुद भगवान संसार को नहीं बताना चाहे, तो कौन गौरचंद्र की लीला को शेष कर सकता है, कौन समझ सकता है जो नहीं समझाना चाहे। तो वास्तव में ये सब सुंदर लीला करके भगवान संसार को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं अपने जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति के विषय में। जब तक भगवान ने समझाना चाहे तो कौन भगवान को समझ सकता है। कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन एतद अर्थ करे प्रभु सगन रोदन। अभी यही प्रश्न डाल रहे हैं यहाँ पर भी कि सभी को नाम कीर्तन करवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बार बार रोते हैं। यथा यथा प्रबोध करे नारीगढ़ प्रभु पुनः पुनः करी करे करंदन। तो यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु के सामने हरि नाम का कीर्तन होता है, हरि हरि लोग बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु शांत होते हैं और ये हरि हरि छोड़कर जो ही स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है कि वो इधर उधर की बातें तो करती हैं, उनका बातों में ज्यादा मन लगता है, तो जो ही वहां पर हरि हरि का प्रसंग छोड़कर अन्य कोई बात करना प्रारंभ करती हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो मजबूरन होकर फिर स्त्रियों को क्या करना पड़ता है, हरि हरि। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा आगे भी देते हैं कि अन्य वार्ता कथा सुनी छोड़, चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि अन्य जितनी सांसारिक कथा वार्ता है इसको छोड़कर हे सनातन भगवान का हरिनाम का कीर्तन करो, क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो, उसको क्या होने वाला है। वही बात को रूप गोस्वामी अपने शब्दों में बोलते हैं, वाचो वेगम। हाँ, भगवान ने सुंदर वाणी दिया है भगवान कथा गुणगान करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस मुख से भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करते हैं तो इस मुख की तुलना किससे की गई है, मेढक टर टर जो आवाज करता है, जो कि व्यर्थ का प्रलाप करता है, व्यर्थ में टर टर की आवाज करता है, उसके द्वारा सांप आता है उसको अपना ग्रास बना लेता है। उसी प्रकार जीवन में अन्य प्रकार का प्रजल्प करके बात करके सांसारिक कथा वार्ता करके हमारा जीवन बीत जाएगा, इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। वाणी मिला भगवान का कथा सुनने के लिए, कान मिला है भगवान का कथा सुनने के लिए, मुख मिला भगवान कथा सुनने के लिए। उसी प्रकार कान है, दो छिद्र हैं, यदि उन छिद्र के द्वारा हम भगवान कथाओं को नहीं श्रवण करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं
कि ये जो छिद्र है, जो छिद्र तो दिख रहा है वास्तव में छिद्र छिद्र नहीं है, ये सांप का घर है, सांप का घर है। सांप घर मतलब काल। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। सांप की तुलना काल से की जाती है। काल मतलब समय, समय मतलब मृत्यु का समय। यदि सर्प डंसता है आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो हम मृत्यु को बुलावा देते हैं। यदि इस कान में भगवान कथा छोड़कर अन्य सारी सांसारिक कथा वार्ता पूछते हैं तो मतलब हम सर्प को आवाहित करें, आ जाओ मुझे काटो, मैं मर जाऊं, तो ये मरने के समान है, इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे ही वो स्त्रियां अन्य अनेक कथा वार्ता प्रारंभ करती हैं तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से फिर रोने लगते हैं और लोगों को मजबूरन चैतन्य महाप्रभु का लिए हरि हरि का गुणगान करना पड़ता है। हरि हरि बल यदि डाके सर्व जने, तबे प्रभु हासी नाचे श्री चंद्र बदने। यही मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपाले रा प्राय केली करे। उस प्रकार गुप्त भाव से चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। ये समय अखन नाथा के कह घरे, ये किछु था कहे घरे सकल बिखारे। फिर चैतन्य महाप्रभु जब बड़े होते हैं दूसरे घर पर जाते हैं, दूसरे घर पर जा करके भी अलग अलग लीला का प्रारंभ करते हैं। बिथारिया सकल फैलाया चारी भीते सर्व घर, नहीं नहीं दूसरे घर नहीं जा रहे अभी, चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए हैं तो घर में भी चलना प्रारंभ कर दिए हैं। चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि एक बार सची माता घर में आई और आकर देखती हैं कि सारा घर का सामान टूटा बिटा और अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अभी बालक जो 4 महीने का हुआ और इसके अंदर कैसी शक्ति आ गई कि ये पूरे घर के सामान को अस्त व्यस्त कर सकता है, उठाकर फेंक भी सकता है। तो उनको बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। तो क्या हुआ, तो अभी अन्य नारीगण जितने भी उनकी सखी लोग थी पड़ोसन के, उनको बुला कि देखो देखो बालक को मैं सुला के गई थी, ये तो सो रहा था, लेकिन अभी घर का काम पूरा करके मैं आई तो घर का जितना भी चूल्हा चौका बड़ा बड़ा बर्तन है सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कुछ बर्तन टूट भी गए हैं, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। तो उसमें सखी बोलती है कि देखो अभी ये जो भूत पिशाच है, ये जो भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस है ना, ये लोगों का आना जाना बंद नहीं हुआ है, ये लोग अभी भी आ रही हैं। लेकिन जो ओझा जी आए थे, पंडित जी आए थे ना, जो स्वाहा स्वाहा छत्रो छेर कर चले गए, जो बोले कि बड़ा प्रतापी जिन्न आया था लेकिन मैंने पावरफुल मंत्र छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला है, तो आया था वो बालक के लिए आया था। ये पहले दिन से मालूम है, देखो उस दिन भी आया था ना, याद हरा रहे, उस दिन भी आया था ना छाया के रूप में, हम लोग देखी थी ऊपर से गया था, तो उस दिन भी आया था, लेकिन उस दिन हम लोगों ने कीर्तन किया था नरसिंह नरसिंह और माता जी का नाम लिया था, तो उस दिन हम लोग थे चला गया, आज अकेले अवसर पाके वो आया था। लेकिन जो ओझा जी मंत्र छोड़ के चले गए हैं ना, उस मंत्र के प्रभाव से इस बालक कुछ नहीं कर पाया, और जब बालक कुछ नहीं कर पाया तो जो भूत था वो क्रोधित हो गया, वो क्रोधित होकर क्या किया, फिर बर्तन उतर तो उतार के चला गया, आया था बालक को तोड़ने के लिए, आया था बालक को तोड़ने के लिए। इस प्रकार जो भोली भाली वहां की नारियां हैं ऐसा ऐसा वार्तालाप करती हैं। केह बोले दानव आसी आछी घरे, रक्षा लागी शिशुर नारियल रंगी वाले। इसके बाद नारियल लाल कपड़े में बांध लाकर घर के टांगने टांगती हैं, और उसमें कुछ टटका उटका करके कि अभी अभी तक तो घर के अंदर घुस गया था, अभी आए तो नारियल टकरा के मर जाए, अंदर ना आने पाए, तो अलग अलग टटका होता है, टटका बोलते हैं। तो टटका के कोई लाल कपड़े में और ऐसा करके आप कहीं भी जाएंगे घर में तो उसको भी बांध के रखते हैं। तो है परंपरा ऐसी है, जैसे कि गांव में मुझे अनुभव है कि जब घर बनता है और घर बनते समय जब पहला चौखट लगाते हैं, ऐसा घर का चौखट लगाते हैं, तो उस पर कुछ तो राइट एक परंपरा है, नारियल सुपारी को ऐसा रख के वो बांधते हैं उसके अंदर कि वो मतलब अभी प्रवेश करने वाले हैं घर के अंदर, सब शुभ शुभ रहे, इस प्रकार शुभ वातावरण रहे, शुभ मुहूर्त रहे, शुभ परिवेश रहे, तो कोई अशुभ घटना न घटे, इसके लिए सब अलग अलग रीति रिवाज है गांव के अंदर। तो उसमें सब नारी लोग आई और वहां पर रक्षा लागी शिशुर नारीला लगी बारे, और नारियल से कुछ लोग आई तो फिर नारियल से उसका ऐसा क्या बोलते हैं, नारियल से जैसा नजर 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 उतार रही है। शिशु लंगिवारे ना पायता क्रोध मने, अपचय करी पलायला निज स्थाने। और जब जगन्नाथ मिश्रा ये सब चीज सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विस्मित होते हैं, लेकिन अभी क्या करें, दैव इच्छा समझ के, भगवान की इच्छा समझ के उसको भी छोड़ देते हैं।
और सची माता जगन्नाथ मिश्रा को देखती हैं, जगन्नाथ मिश्रा सची माता को देखते हैं क्योंकि बालक की चिंता हो रही है। याद रहे चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि पहले कई बालक जा चुके हैं। लेकिन फिर चिंता से व्याकुल होकर जब चैतन्य महाप्रभु के दिव्य फेस को, दिव्य चेहरे को निहारते हैं तो दोनों लोग का चिंता और दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार बहुत लीलाएं हैं, पढ़ूंगा बहुत समय हो जाएगा। तो भगवान क्रमशः बड़े बड़े हो रहे हैं और अनेक अनेक लीलाओं का आप लोगों ने श्रवण किया होगा। मुझे याद आने लगा जब पढ़ रहा था थोड़ा, तो पिछले साल परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गौर कथा का श्रवण करने का लाभ मिला था और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कथा सुनाए थे, वो चोर की कथा सुनाए थे। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब गंगा स्नान करने जाते थे और वहाँ पर वहाँ की बड़ी सुंदर लीला है, तो वहाँ क्योंकि प्राय स्मार्त ब्राह्मण होते थे ना, स्मार्त जो कि वेदांती ब्राह्मण होते थे, कर्मकांड शिक्षण को बहुत अच्छे से मानते थे, तो लोग को चिढ़ाने के लिए भी चैतन्य बड़ी अच्छी अच्छी लीला करते थे। वो लोग गंगा में स्नान करके आकर फिर बैठ कर और आग बंद करके गायत्री करते थे ध्यान करके। तो चैतन्य महाप्रभु आते थे और मुंह में पानी लेके आते, थूक देते थे मुंह के ऊपर, पानी ऊपर ही थूक देते थे, कुल्हा करके चले जाते थे उनके ऊपर, उनका ध्यान भंग हो जाता था। वो बिना ठाकुर बोलते थे, वो पानी कभी ऐसे लेके नहीं आते थे, मुंह में पानी भर के थूक देते थे, उनको गुस्सा होते थे ना देखकर, क्या कर रहा है सुनोगी, हम भगवान का नाम नहीं जप करता है, कीर्तन नहीं करता है और पांडित्य दिखा रहा है, बहुत बड़ा पंडित है, देखो योगी बन के बैठा हूँ, काहे के योगी, मुंह का पानी थूक देते कुल्हा करके। और कभी कभी जब वो लोग स्नान करने जाते थे तो उसी समय उनका जो कपड़ा उपड़ा रहता था, स्नान करने के लिए कपड़ा पहन के जाते थे, स्नान करके आएंगे बाहर कपड़ा पहनेंगे, तो जितना कपड़ा था सब के पानी में डुबा के ला के रख देते थे। फिर ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में लोग गए नहाने के लिए, जब नहा के आते थे अभी स्वच्छ कपड़ा पहन के, उनको भी संध्या वंदन करना है, लेकिन वो कपड़ा से डुबोते नहीं थे। अभी आप जाएंगे मायापुर में तो जो मायापुर का गंगा जी का पानी है वो सिर्फ प्योर बालू नहीं है, वहाँ का जो बालू कैसा है, मिट्टी मिश्र बालू है, तो मिट्टी के साथ जो सना हुआ बालू रहता तो उसी के अंदर पूरा लिपेट उपेट के लाके वहाँ पर अपने सखाओं के साथ मित्रों साथ रख देते थे। वो जब आते थे तो पूरा कपड़ा साफ क्या, पूरा एकदम गंदा संदा ला के सब वहाँ पर रख देते थे। कभी कभी जब वो नहा कर आते थे, ऐसे अनेक अनेक बृंदा ठाकुर बहुत विस्तार से बोलो, पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा, बहुत सुंदर लीला ढंग समझा रहे हैं, तो एकदम परेशान कर देते थे ये लोग। तो ये लोग बहुत बार पकड़ने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि इतनी चलाकी से करते थे कि स्मार्त ब्राह्मण देख नहीं पाते थे। और थूकने में भी जब थूकने जाते तो अकेले नहीं जाते थे, पूरा गढ़ को लेके जाते, पूरा ग्रुप लेके गए, और ग्रुप में से किसने थूका पता नहीं, कौन थूका कोई बोलने वाला थोड़ी है, किसका कंप्लेन करेंगे, लेकिन लोगों को पता चल जाता था, क्योंकि उस ग्रुप में उनके भी बालक होते थे, बालक का टिफिन का बना था, तो जाकर घर पे डराते हो गए थे, कौन थूका था बता, तो बता देते होंगे कि मैं नहीं, वो जगन्नाथ मिश्रा का लगा थूका होगा वही थूका था। तब ये लोग फिर पंडित लोग जाकर कंप्लेन करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है और ये, लेकिन अभी प्रमाण नहीं है, तो जगन्नाथ मिश्रा को सजा नहीं दे सकते थे, कौन थूका है, प्रमाण चाहिए, प्रमाण को देने वाले थे। तो उनके साथ लीला होता था और इनके साथ ये सब लीला करके मतलब भगवान दर्शाना चाहते थे कि ये सब जो आप लोग कर रहे हो ना, ये सब व्यर्थ है, कोई श्रम नहीं, ये सब सिर्फ श्रम है, कोरा मेहनत है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास भगवान नाम का आश्रय नहीं है, भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं है, ये सब क्या कर रहे हो, क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये सब पंडित से कुछ नहीं होने वाला है, कभी भी आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है और हरि नाम का आश्रय है, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, जप करिए, हाँ ये सब योग ध्यान और ये और वो वेदों का पाठ पांडित्य ये सबसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये हो गया कि दूसरे जो बोल रहे हैं कि कौन उस नवद्वीप का वर्णन कर सकता है, कितने सुंदर घाट है जिसपे हजारों हजारों लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, बालकों के अलग घाट हैं, स्त्रियों के अलग घाट हैं, पुरुषों के लिए अलग अलग घाट हैं, तो भगवान स्त्रियों के घाट में भी जाते थे। हाँ, और यहाँ पर भूल गया मैं, यहाँ बता रहे हैं कि फिर वो पूजा पाठ करने के लिए वो थोड़ा अपना अपना माला फूल और ये लेकर आते थे। और अभी भी आप बनारस वनारस में जाएंगे स्नान करने के लिए, तो स्नान करके जब निकलेंगे देखेंगे वहाँ पर पंडित लोग बैठे रहते हैं, पंडा लोग बैठे रहते हैं,
और एक आसन पे वो बैठते हैं और एक आसन पे भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का सब फोटो रख के बैठते हैं। तो वो जब पंडित जी लोग आकर नहा कर नहा के बैठ गए अपने आसन पे, दूसरे आसन पे भगवान को लगाया है, और इसके बाद 2 मिनट के बाद ध्यान करेंगे, इसके बाद भगवान का फूल माला सब छिड़केंगे, पूजा करेंगे, तो उस 2 मिनट के अंदर बड़ी स्फूर्ति से भगवान क्या करते हैं, भगवान का जो आसन लगा के रखा था उस भगवान को सदा हटका हटा कर वहाँ पर वो खुद बैठ जाते थे। और जब इनका दृष्टि खुलता था, अरे अरे राम 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 राम, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, ये क्या कर रहा है, शशि जगन्नाथ मिश्र का लड़का तो पूरा पागल हो गया, धर्म भ्रष्ट कर दिया, भगवान को आसन से उतार के अपने आसन में भगवान के आसन में बैठ गया ये, तो इस प्रकार एकदम तंग कर देते थे, अर्थात उनका पूरा खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे कि तुम लोग का कोई इज्जत करता होगा, सम्मान होता होगा, लेकिन कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, बेकार हो, भगवान लोग इस तरीके से पूरा हंसी उड़ा देते थे ऐसे पंडित लोगों का। और फिर वो भी प्रश्न सुनेंगे होंगे आप लोग कि कैसे भगवान जो, क्योंकि वही रसराज श्री कृष्ण है, तो थोड़ा रसराज का भाव इनके अंदर भी है, तो जब स्त्रियाँ नहाने के लिए गई हैं तो भगवान यहाँ भी स्त्रियों के साथ परिहास करते हैं चैतन्य लीला में भी। और एक चोर की कथा है, कैसे एक चोर भगवान को चुराने आते हैं उनका सौंदर्य देख के, और लेके जाते हैं और उठा के लेके जाते हैं, और उनका प्लानिंग था कि घर से दूर लेकर जाएंगे और अपने घर पर ले जाकर फिर उनका भूषण उतार कर फिर लाके उनको छोड़ देंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो उठा लेते हैं और बहुत उधर भ्रमण करते 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 वहीं लेकर आ जाते हैं। और जब जो ही उतारने के लिए तैयार होते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आभूषण उतारने के लिए तैयार होते हैं, तब तक पीछे से आई, अरे निमाई मिल गया, निमाई मिल गया, निमाई मिल गया, और देख रहे हैं तो वास्तव में वो तो चैतन्य महाप्रभु घर पर ही है, जहाँ से उठाए तो वही ला कर लेके आ गए वो लोग, तो बड़े भयभीत हो जाते हैं, बड़े भ्रमित जाते हैं कि क्या हो गया, और लोग तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। दो चोर थे, दोनों जो रास्ते में चर्चा कर रहे हैं कि अरे कैसे हो गया यार, हो सकता है कि आज हम लोग जब चले चोरी करने के लिए तो चंडी की अच्छे से पूजा नहीं की। बोला हट पागल, दूसरा बोला हट पागल, चंडी की पूजा किए तभी बच गए, चंडी की पूजा किए थे अच्छे से तभी बच गए, नहीं तो आज तो हमारा उधर ही हम लोग का कल्याण हो गया होता, चंडी की पूजा किए थे, हो सकता कुछ गड़बड़ हो गया हो, क्या करेंगे। और वो लोग ऐसे चर्चा करते हुए निकल जाते हैं। फिर वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि जो भी हो, जिस भावना से भी उनके जीवन में ये संस्कार आया हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली जी दोनों चोर हैं, ये इतने भाग्यशाली चोर हैं कि आज कृष्ण बलराम को अपने कंधे पर उठाए हैं वो लोग, मजाक बात नहीं है, कृष्ण बलराम को अपने कंधे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने, चैतन्य महाप्रभु को अपने कंधे पर उठाए हैं वो लोग, साक्षात कृष्ण को, बलराम जी तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के साथ भी ऐसी घटना घटी है, उस लीला में भी हुई है, तो साक्षात कृष्ण को गले उठाए हैं, गोद में उठा के लेके गए हैं, कंधे बैठा के लेके गए हैं, क्योंकि बच्चों को कंधे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बैठाते हैं तो फुसला के लेके गए थे ना लोग, बात करते करते उनको बात करते करते लेके गए थे, तो बड़े भाग्यशाली हैं जो। और उधर जगन्नाथ मिश्रा आते हैं, और जगन्नाथ मिश्रा अपने बालों को पाकर बड़े खुश हैं, क्योंकि पूरा हल्ला मच गया था कि अरे कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई, मिल नहीं रहा है, तो सब लोग एकत्रित हो गए थे, और निमाई पूछ रहे हैं कि वो दोनों पुरुष कहाँ गए, जिस पुरुष ने लाकर उनको लौटाया, लाओ उनको कम से कम उनको पगड़ी बांधकर स्वागत, इसमें बोलते पगड़ी, उनका पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जाए, कहाँ गए। तो कुछ बोले हम लाते समय तो हमने देखा था, लेकिन इसके बाद किधर निकल गए ये देखा नहीं। तो बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा की हो न हो, बड़े सम्मानित बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए था, और लोग इतना बड़ा उपकार करके चले गए। फिर निमाई से पूछते हैं हम लोग कहाँ गए, निमाई कहाँ गए, निमाई बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मैं खेलते खेलते उधर ही चला गया था, उधर से लेकर कहीं तो गए, घुमा टक लेके आ गए हमको। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर लीला है, और गोपाल कृष्ण महाराज जो गए थे तो बड़ा अच्छा प्रसंग लग रहा था शुद्ध वैष्णव के मुख सुनने में। तो ये प्रसंग जब मैं याद कर रहा था तो मुझे महाराज की याद आ रही थी कि महाराज के मुख सुनने बहुत सुंदर लगा, महाराज इस कथा को बोला था, चोर वाला कथा बोला था, और महाराज खुद हंस हंस को बोल रहे थे, उनको खुद आनंद आ रहा था बोलने में। तो इस प्रकार अनंत अनंत चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ हैं, उनको कौन शेष कर सकता है, कौन कह सकता है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों को स्वादन करना है। अनेक अनेक मार्मिक प्रसंग हैं चैतन्य महाप्रभु के, और बहुत ही महाबदन्य अवतार हुआ है, कलयुग तो दोषों का सागर है, दोषों का घर है, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा माया से अतीत हो जाएं, माया को पार कर जाएं, लेकिन
बड़ी कृपा है कि हम लोग प्रभुपाद जी के मिशन में हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रूप कृपा का भरपूर, उनकी कृपा का दया का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है। और हम लोगों को बड़े जतन करके, बड़ा प्रयास करके जो कृपा का संयोग हम लोग के जीवन में आया है, चैतन्य महाप्रभु कृपा का, नित्यानंद रूप कृपा को, उस कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं रहने देना चाहिए। और व्यर्थ नहीं जाए ये जीवन हमारे हाथ से, कृपा हमारे हाथ से, इसके लिए जब भी ये सब चीज़ों का अवसर मिलता है, यदा कदा कहीं भी भगवान कथाओं का श्रवण करने का, लाभ लेने का, साधु संगति करने का, तो हम लोगों को लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है।